मुझे अगर कॉल सेट के मिलते हैं तो मैं कॉल सेट, हाँ कर लीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। कॉल सेट पे अगर मुझे मूव मिलते हैं तो मैं कॉल सेट के लिए मैं सोचूंगा। रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर देखोगे आप, प्राइस एक हैवी गैप डाउन के साथ हुआ है ओपन, प्राइस एक हैवी गैप डाउन के साथ हुआ है। और मैं अगर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा ना आपको, तो आप भी थोड़ी सी, जो पुराने लोग हैं, पुराने क्लास के लोग हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ, नए लोगों के वो कॉन्सेप्ट अभी तो समझ भी नहीं आएगा। आप लोगों को याद होगा मैंने वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना बताया था आप लोगों को, याद है क्या? सर जी सर, बताया था सर, है ना, कि वीकली टाइम फ्रेम में, ये नए वालों के लिए नहीं, ये नए वालों के लिए आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिए आप। जब ये पुराने लोग हैं तो उनके लिए है ये, तो वीकली टाइम फ्रेम पे है कुछ इस तरह के, बताया था कि वीकली टाइम फ्रेम पे जो ये कैंडल बनती है उसके रेंज के अंदर क्या है वो मुझे। अच्छा एक चीज और बताया तो आपको, आप चलो आपने पूछ लिया, ये मैं बाद में बताना था लेकिन आज आपने पूछ लिया तो मैं बता ही देता हूँ, लेकिन ये बाद में पढ़ाने वाला था इस चीज को। अगर मान के चलो ग्रीन कलर बनती है बड़ी सी, तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये उसकी हाई है और ये उसकी लो है। बड़ी मतलब वाइड रेंज हो या एवरेज से थोड़ा बड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बनती है ग्रीन कलर की कैंडल, ठीक है, तो ध्यान रखना इसकी जो ओपनिंग है। अच्छा आपको याद होगा ना मैं जो फर्स्ट क्लास में बताया था कि कैंडल के चार पॉइंट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, है यस ना? सर तो उसके ने अब ये बताया था कि दोनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि दोनों में से ये वाला इंपॉर्टेंट है, अगर उसको मैं मार्केट को अपसाइड जाना है तो मेरे लिए रेजिस्टेंस वाला इंपॉर्टेंट है, नो डाउट है। लेकिन अगर वाइड रेंज कैंडल है तो ध्यान रखना इसके जो ओपनिंग है ना, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। कब इसका ओपनिंग इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मैं तो ढंग से ड्रॉ कर लेता हूं, ऑपोजिट ट्रेड लेने के लिए। क्योंकि आप लोगों को याद होगा मैंने ये भी बताया था कि सामने वालों के एसएल हमारी एंट्री, याद है वो बातें? क्या ढंग के लोग नहीं हो रहे आज। सामने वालों के एसएल इज इक्वल टू हमारे वहां पर एंट्री होती है ना? तो ये जो ग्रीन कलर बंती है वाइड रेंज के, वाइड रेंज कैंडल यानी एवरेज से थोड़ी बड़ी कैंडल है, तो ये बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल लोग ये सोचेंगे कि भाई ये मार्केट अपसाइड जाएगा, ध्यान से सुनना आप, अपसाइड जाएगा। इस केस में यहां पर जो हमारे जो चांसेस है, मार्केट यहां पर क्लोज दिया है, ठीक है, यहां पर क्लोज दिया है, तो क्लोज देने के मतलब प्राइस नेक्स्ट दिन यहीं कहीं ओपन होगा। यहीं अगर ओपन होता है तो उसके लिए ध्यान रखना इसके क्लोजिंग बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ब्रेक करके नीचे नहीं आना चाहिए प्राइस, और रेजिस्टेंस तो ये है ही है। अगर प्राइस मान के चलो चलो नीचे आ भी गया, प्राइस नीचे आ गया तो उसके लिए जो सपोर्ट होगा ना, ये वाला ओपनिंग, नो डाउट नीचे वाला लो भी सपोर्ट है, बस मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट इज ओपनिंग, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है? तो मैंने दो पॉइंट बताया था इंपॉर्टेंट, यहां पर तीन पॉइंट बताया इंपॉर्टेंट। कौन कौन से पॉइंट है? प्राइस यहां पर क्लोजिंग क्लोजिंग है है तो इसके क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइस ने ग्रीन कैंडल है तो कल अगर गैप अप ओपन होता है, ध्यान रखना कल अगर गैप अप ओपन होता है तो इसके जो प्रीवियस डे के जो क्लोजिंग है वो इंपॉर्टेंट है, ये सपोर्ट का काम करेगा। और ये जो हाई है ये हमें गैप थियोरी में पढ़ाएंगे, इससे मैंने आपको अभी बताने वाला नहीं था लेकिन आपने पूछ लिया तो बता देता हूँ, ये गैप थियोरी के पार्ट है ये। तो इसके जो क्लोजिंग है ये सपोर्ट का काम करेगा और रेजिस्टेंस का काम करेगा ये। अगर वो क्लोजिंग के नीचे अगर प्राइस ट्रेड करने लग जाता है ना, तो मार्केट पूरे दिन गिरेगा ही गिरेगा, ये टिप्स है ये, ठीक है? तो आपको उसके बेसिस पे आप ले सकते हो। चलो ठीक है, उसने मानकर नीचे आ भी गया, आने के बाद इसके लिए सपोर्ट, नो डाउट लोअर लो भी सपोर्ट है, बट मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट जो है ये वाला उसके जो ओपनिंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चांस यहां से प्राइस घूम सकता है, क्योंकि ओपनिंग है, यही ओपनिंग है प्राइस का, ये ग्रीन कैंडल के लिए बोल रहा हूँ, सॉरी ग्रीन कैंडल के लिए। तो कौन कौन से पॉइंट इंपोर्टेंट हो गया? पॉइंट नंबर वन तब होगा जब प्राइस इसके ऊपर ओपन होगा, पॉइंट नंबर टू ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और जो सबसे जो इंपोर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है वो आता है पॉइंट नंबर थ्री। तो प्राइस इसके नीचे जाएगा तो डाउनफॉल देखने को मिलेंगे,
उसके ऊपर जाएगा, एक अपसाइड देखने को मिलेंगे। सिमिलरली अगर रेड कैंडल की अगर बात करता हूं मैं, तो उसके जो हाई है उसके जो हाई है ये है, और उसके जो लो है ये है। रेड कैंडल है यानी क्लोजिंग यहाँ है, तो नो डाउट नेक्स्ट दिन गैप डाउन ओपन होगा, जो भी ओपन होगा देखा जाएगा। बट मान के चलो गैप डाउन ओपन हुआ है, प्राइस नेक्स्ट दिन यहाँ पे ओपन होता है, तो उसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा, ठीक है, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आएगा ये। इसको मैं नंबरिंग करूंगा 1, ये 2, और जो तगड़ा जो मूवमेंट होगा ना ऊपर की साइड में, ये होगा इसके क्लोजिंग के ऊपर, फुल बुलिश, सॉरी हाँ फुल बुलिश। तो फुल बुलिश के लिए रेड के क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग, और फुल बेयरिश के लिए ग्रीन के ओपनिंग। क्लियर? यस सर, ये है केस। कभी भी देख लो आप, मैं अभी इसको पढ़ाना नहीं चाहता, आप जबरदस्ती पढ़ा रहे हो इस चीज को, तो मैं अगर चलो मैं यहां दिखाता हूं, यहां पर आपको क्या दिख रहा है? तो अगर मैं इसकी बात करता हूं, इस ग्रीन के रेड वन डे के, सॉरी 1 वीक का है क्या ये, वन डे कर देता हूं मैं, कहा गया वन डे। बहुत हालत खराब है बैंक निफ्टी के, अगर ये आज रिकवर कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये आपके टारगेट दिया था आपको याद होगा फिर पीछे वाला 31 तक भी आ सकता है, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो देखा जाएगा क्या होगा। जैसे भी होगा अपने को तो क्या पुट लेके कमाना है, पोजीशन अभी नहीं लेना है सर, आपकी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। एचडीएफसी बैंक बहुत गिर हाँ गिनने दीजिए ना, क्या दिक्कत है, होल्डिंग है क्या आपकी कुछ? सर। नहीं नहीं सर, हाँ तो ठीक है, आराम से, कोई टेंशन नहीं है, होल्डिंग नहीं है तो टेंशन लीजिए। ये देखिए, ये चीज आप पोजिशन में भी बैंक निफ्टी कर सकते हो, अभी मैं बोल नहीं रहा हूँ पोजिशन लेने के लिए, लेकिन आप उठा सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या बताया था कि ग्रीन कैंडल बनती है, ओके, तो ये मानकर ग्रीन कैंडल है, ये देखिए ग्रीन कैंडल बनती है, वाइड रेंज कैंडल है, तो सपोर्ट कहाँ दिखेगा आपका, मार्केट कहाँ गिरेगा, किसके नीचे गिरेगा, सर ओपनिंग के नीचे। ओपनिंग है। अगर मैं उसको वीकली चार्ट करूंगा तो आपको दिखे, एक चीज दिखेगी आपको, तो फ्यूचर में भी आप बाई शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। वीकली चार्ट पे है, वीकली चार्ट पे आपको कुछ चीजें दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल उसके जो ग्रीन कैंडल है तो उसके ओपनिंग है, ये देखिए उसके ओपनिंग है ना, ओपनिंग इस वीक ने ओपनिंग के नीचे क्लोज दे दिया, यस सर, यस सर, तो पूरे नेक्स्ट वीक पे आप मारो ना शॉर्ट, कहां तक आया प्राइस, ठीक है, टेंशन मत, आपको ओपन चार्ट को देखिए, आपको आराम से पॉइंट मिलेगा। यहां पर देखिए रेड कैंडल के लिए क्या था अपना, ये था इसका लो, ये हालांकि वाइड रेंज कैंडल में, कोई वाइड रेंज कैंडल दिखा तो आपको, जो मूवमेंट आते हैं ध्यान रखना आप, मूवमेंट आते हैं आपके वाइड रेंज कैंडल के, थोड़ा सा दिखाता हूं मैं पूरा वीक का वाइड रेंज कैंडल के, ये है वाइड रेंज कैंडल। अरे क्लिक कुक हो कि नहीं रही आज, इसको देख तब फरवरी में। दिखा, लेकिन क्या अगर फरवरी हुआ, बोलिए बोलिए क्या बोल में रहे था थे। सर, मैं बोल रही थी कि वाइड रेंज कैंडल अगर बनती है और उसके ऊपर जैसे मतलब यही एग्जांपल के तौर पे लेते हैं जो आपने अंडरलाइन जो कर रखा है, तो इसके ऊपर ज्यादा मूवमेंट नहीं है, हाई ब्रेक किया है तभी भी, मूवमेंट नहीं है मतलब मतलब आपने कहा ना कि वीकली टाइम, अच्छा सॉरी सर, ये डेली टाइम फ्रेम पता है, मैंने डेली मतलब ये टाइम फ्रेम वीकली है। पे। हाँ नहीं वीकली, वीकली में दिख नहीं सर रहा था, मैं डेली पे ले आया। ओके सर, तो मूवमेंट करता है ये, ध्यान रखना ये। तो जो भी है, तो हमने यहां पर हमने डेली में क्या देखा कि डेली के हमने ये देख लिया था, अच्छा आपने देख लिया तो 1 आवर पे, तो आज मैंने क्यू स्क्वेयर सेल करने के मूड में नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि रेड कैंडल के जो लो है वाइड रेंज के लिए बने थे। अगर आपने डेली चार्ट पे देखोगे ना, यहाँ पर देखिए डेली चार्ट पे देखोगे तो ये जो वाइड रेंज के लिए बने थे, मुझे पता है कि ये एक बाइंग जोन है ना, ये बाइंग जोन भी है, और 35,000 का अपने साइकोलॉजी के लेवल भी है, और प्राइस ऑलरेडी इतने गैप डाउन हुआ था तो ऑलरेडी बचे नहीं थे मूव करने का, ठीक
ठीक है। और इसी रीजन से क्या हुआ था, देखोगे आपके सुबह से जो है जितना गिर गया था गैप डाउन ओपनिंग पे, प्रीमियम बढ़ गए थे पुट के, उसके बाद जो है प्रीमियम ईटिंग चालू हो गई थी, है ना। तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था। और साथ में देखोगे ना आप इस चार्ट को अगर ध्यान से देखोगे कि, और देखिए कुछ चीजें हैं गैप अप थ्योरी जो पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा आपको, नहीं तो थोड़ा सा ऊपर से निकल जाएगा आपके। यहां पर देखोगे आप जो स्विंग लग रहा था, ये यहां से जाके स्विंग लगाना बंद कर दिया था, ठीक है, लगाना बंद कर दिया था। और ये लगाने से पहले ही जो है आपने देखोगे, मैंने कहीं जब यहां पर ट्रेड करता बोला था कि एक मैंने यहाँ पे, यहाँ पर सेल करने का मूड में नहीं था, कई बार यहाँ पे था मैंने तब बोला था मैंने इस जगह पर, ये तो बाद में लगाना बंद कर दिया। मैं कितने बजे बोला था स्विंग ले बाई का, बोल रहा था आप लोगों को टाइम देखो तो शायद उस टाइम ट्रेड कर रहा होगा यहाँ कहीं। अरे यार ये क्या है, इसको कितने बजे बोला था, चलो तो जल्दी बोलिए, फिर टाइम भी हो रहा है पढ़ाना भी है। नहीं, बोला वो नहीं गिनने के, नहीं जब मैंने बोला था कि मुझे बाई के सोचना है पुट में अबाउट किधर, कुछ बोला था कॉल का मैं सोचना था या देखो से कुछ बोला था मैंने, वो शायद मेरे को जो इतना याद है, मुझे प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, यस सर, यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा था प्राइस, यानी उसने लो लगाना बंद नहीं किया था, अभी भी लो लगाना बंद नहीं किया था, तब मैंने बोला था कि इसको बाय भी करूंगा, तो चलो ठीक है लो तो बाद में लगाना बंद कर दिया। तो यहाँ पर हमने देखा कि वॉल्यूम की जो प्राइस है, वॉल्यूम के तो कुछ हलचल यहाँ पर मुझे दिखी थी, यहाँ पर वॉल्यूम के जो है कुछ फॉर्मेशन यहाँ पर दिखे थे, कहाँ गया वॉल्यूम के, यहाँ पर ये जो है अपने बाद में लो लगाना बंद कर दे, तो ये वॉल्यूम अचानक कम हो गया, तो फिर मैंने देखा कि यार सेल मजेदार नहीं है, मैं यहाँ पर वो नहीं करूंगा, पुट में लूंगा नहीं, क्योंकि मोमेंटम नहीं है। आप देखोगे सुबह गिरने के बाद जो है प्राइस तो नीचे आ रहा है, बट वो मोमेंटम नहीं है, जिसके वजह से क्या होता है ऑप्शन बायर के लिए सही नहीं है, क्योंकि प्रीमियम डिके होता है और ये प्रीमियम डिके भी हो रहा था, ठीक है। पुट के वैल्यू देखोगे ना, पुट के अगर चार्ट ओपन करोगे तो पुट उतने यहां से लेके यहां तक उतने पुट बड़े नहीं है। मैं आपको पुट दिखाता हूँ, आपको पुट जो लिया था मैंने, ये लिया था शायद, नहीं ये लिया था 35,000 का, और ये मैं पुट दिखाता हूँ आपको, ये देखो कहाँ बढ़ रहा था पुट, बताइए देख लो प्रीमियम की हालत क्या खराब है, ये पुट के वैल्यू है। बैंक निफ्टी देखो आप कहां से कहां गिरा है, यहां से लेके जो टॉप लगाया था उस टॉप से करके यहां तक पहुंच चुका है बैंक निफ्टी, देख रहे हो कितने परसेंट का मूवमेंट दे दिया है बैंक निफ्टी ने यहां से टॉप से, अप्रॉक्स फोर यहां हंड्रेड तक पॉइंट हाँ 400 पॉइंट का दे दिया है, और ये कम से कम 1.1% का मूवमेंट दे दिया है। और टाइम क्या था उस टाइम, उस टाइम था आप 10:35 के आसपास, वहां पर पुट की वैल्यू देखिए आप, पुट पढ़ना चाहिए ना पुट पे, पुट के वैल्यू यस देखिए सर। आप, क्या पुट के वैल्यू, यहाँ टॉप लगाया था ये तो ऊपर बढ़ना चाहिए, तो उल्टा घट रहा है यहां से, या तो यहां से या तो सीधे नीचे आ रहा, ऊपर नहीं जा रहा है, यहीं घूम रहा है वो, उसको तो बढ़ना चाहिए था पुट को, वो तो बढ़ना छोड़ो, वो तो नीचे आके तो यहीं नीचे ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम खा रहा है ये, तो प्रीमियम खाएगा ना तो फिर मजा नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडर को ध्यान रखना हमेशा मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम को पकड़ना, और इस मोमेंटम को हमने एंट्री ली थी, याद करो आप हमने इस मोमेंटम पे एंट्री ली थी, तो हमने पुट मोमेंटम को क्या है ना, कहीं पे भी घुसोगे आप पुट ले लोगे, तो इससे होता क्या है कि प्रीमियम वगैरह डिके हो जाएगा, बाद में क्या होगा रोने लग जाओगे, अरे यार ये तो बढ़ नहीं रहा, ये तो फंसा दिया है ना, पुट लिया था मार्केट गिर रहा है वो नहीं गिर रहा है, तो प्रीमियम डिके होती है, इसलिए मैंने प्रीमियम डिके हो रहा था, इतने गैप डाउन के बाद नीचे आता है ना, तो ध्यान रखना इतने जो गैप्स जो कल जिन्होंने शॉर्ट किया था ना शाम को, रात को, मैं शाम रात को नहीं शाम को, तो वो कहीं ना कहीं, एक चीज बताओ आप, ये आपको पता है सर ये सपोर्ट है, यस सर, क्या आपको पता है ना सपोर्ट है, क्यों सर पता है सपोर्ट है, क्यों पता है बताइए आप, क्या क्योंकि रीजन सर है, क्योंकि सर वहीं से ट्वेंटी प्राइस फोर ऊपर स्ट्रांग गया था, वहीं से गया था, वहीं से गया था ना, तो ट्वेंटी आपको नहीं लगता है कि आपको पता है कि सब, अरे क्या हो गया आज काम नहीं कर रहे माउस, माउस में कभी कभार काम नहीं करता है, आपको यहां से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर चला गया था और वहां तो चला गया था, तो जो लोग कल यहां पर शॉर्ट किए थे कि आपको लग रहा सपोर्ट है, क्या वो बेवकूफ, उनको नहीं लगता कि सपोर्ट है, समझ रहे हो चीजों को आप, यस सर, आपको लग रहा है ना सपोर्ट है तो उनको भी तो लगेगा ना सपोर्ट है, आपको जैसे लग रहा है कि यहां से बाउंस बैक मार सकता है क्योंकि यहां पर सपोर्ट है और साइकोलॉजी के लेवल है, तो जो लोग यहां पर इवनिंग टाइम पे शॉर्ट किए थे अब इतने गैप डाउन हुआ था वो तो प्रॉफिट में आ गए थे,
अब जब यहाँ पर ओपन हुआ था ना, यहाँ पर ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद नीचे नीचे आ रहा था, तो उनको लग नहीं रहा था अरे भाई नीचे सपोर्ट है, इमीडिएटली बुक करके निकलो, उनको नहीं लगेगा। लगेगा तो सर। फिर तो इसलिए क्या मूवमेंट नहीं, क्योंकि वो क्या धीरे धीरे प्रॉफिट बुक कर रहे थे। मान के चलो कि 30 लाख तक ने सेल किए होंगे, मान के चलो 30 लाख लोगों ने सेल किए होंगे, तो वो बाद में सेल करना बंद कर दिए थे। इसलिए क्या होता है, सेल करना बंद कर दिए थे इसलिए मोमेंटम नहीं आए, क्योंकि नए सेलर नहीं आए, क्योंकि सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। बिल्कुल पास में सपोर्ट ही है, कितना है 100-200 पॉइंट के मूवमेंट है, नीचे सपोर्ट ही मिल, जब प्राइस यहां तक आ चुका है ना, तो 100-200 पॉइंट के नीचे सपोर्ट है और ये स्ट्रांग सपोर्ट है। तो प्राइस यहां पे आने के बाद सेल करने लोगों ने बंद कर दिया था। उल्टा हुआ क्या था, जो लोग कल के दिन में शॉर्ट करके बैठे हुए थे, अगर 30 लाख लोग ने शॉर्ट किए थे, तो धीरे धीरे 1 लाख 2 लाख 3 लाख करके लोग धीरे धीरे अपने शॉर्ट को कवर कर रहे थे, प्रॉफिट बुक कर रहे थे। तो इसलिए हल्के हल्के ऊपर जाते हैं, हल्के हल्के नीचे आते हैं मूवमेंट, क्योंकि न्यू फ्रेश सेलिंग नहीं है ना, तो फिर वो इतना तेजी से क्यों गिरेगा। जैसे यहां पर देखिए फ्रेश सेलिंग हुआ था, नीचे गिरा, यहाँ पर फ्रेश सेलिंग नहीं हुआ। तो इस चक्कर में अगर मान के चलो प्राइस यहाँ कहीं ओपन होता ना, ये देखिए मैं यहाँ मार्क कर, यहाँ कहीं ओपन होता ना, गैप डाउन होने के बाद अगर गिरता ना इसको, तो जबरदस्त मोमेंट आती, तो मैं पुट लेता। ऑलरेडी उतने 500-600 पॉइंट का गैप डाउन दे के ओपन हुआ, तो मैं वहां पर इमिडिएटली मैं पुट नहीं लूंगा। समझ में सर, आया, क्योंकि यहां लेकिन पर आपने 11:50 से बोला था कि या तो रेंज में रहेगा नहीं तो गिरेगा। हाँ वो बात अलग है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं मैं, कि शुरू के टाइम में जब मैंने इसलिए पुट के लिए इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी इतना गैप डाउन हो चुका है, होने के बाद अब जो लोग बड़े जो लोग कल शॉर्ट करके बैठे हो, तो धीरे 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 प्रॉफिट बुक करने लगे, क्योंकि नीचे इमीडिएट सपोर्ट है। तो कुछ लोग निकलेंगे यहां से, और निकलेंगे इसी वजह से, हमने यहां से अच्छा लाइन भी हटा दिया कि यहां से, इसलिए हमने यहां से सोच नहीं रहा हूं कि मैंने चलो ठीक है पुट ले लूं, मैं इच्छा ही नहीं थी पुट लेने की। ठीक है, अब हुआ क्या था यहां आने के बाद, जो मुझे चीज देखी है, देखिए यहां पर मैं बता दूंगा ना, लेकिन आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा, मैं बताने बता दूंगा आपको यहां पर मुझे क्यों पता चला। लेकिन देखो इसमें क्या होना, जब चार्ट जितना देखोगे ना, उतने आपको चीजों को आप क्लियर हो जाएंगे, चार्ट को देखना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा कि भाई यहां से क्यों गिरेगा इतनी तेजी से। चार्ट देखोगे तो कुछ नहीं है, ठीक है, उल्टा देखोगे आपके आरएसआई डाइवर्जेंस भी हो रहा है, देखोगे ना आप कि प्राइस नीचे फॉल हो रहा है और आरएसआई भी ऊपर जा रहा है, सब कुछ आपको पॉजिटिव दिख रहा है, और उसने ब्रेकआउट भी दिया, क्या ब्रेकआउट नहीं दिया इसको, ये सर दिया, ये दिया था सर। चैनल को ब्रेकआउट दिया, आरएसआई नहीं, यहाँ पॉजिटिव है, यहां पर लोग कूदेंगे बाई करने के लिए, लेकिन मैंने साफ साफ यहां पर बोल दिया था, यहां कहीं बोला था मैंने कि यह तो रेंज में घूमेगा या तो गिरेगा। अब उसको कैसे पकड़ा था हमने, यहां पर लॉजिक जो, एक मिनट, यहां पे एक चीज है, ट्रेंग सिमेट्रिकल ट्रेंगुल के कॉन्सेप्ट है, चलो बताना नहीं चाहता अभी क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, चलो मैं सिर्फ बता देता हूं। जो प्राइस है ना, जो गैप अप डाउन हुआ है, अभी देखिए मैं बता दूंगा, अभी ब्रीफली बता रहा हूं, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के दिमाग से ऊपर से निकल जाएगा, तो लेकिन मैं बता रहा हूं आपको ब्रीफली, क्योंकि ये चीज को टॉपिक को अलग से क्लास लेनी पड़ेगी। ठीक है, टॉपिक में क्या होता है कि सिमेट्रिकल जो ट्रेंगल बनते हैं, जितने उसने हाइट पे नीचे घिरा है ना, जितने टाइम पे घिरा है ना, तो उतने टाइम के साथ कैलकुलेशन करके निकालता हूं वैल्यू। अगर मान के चलो उसने इतना झटके में घिरा है ना, तो अगर मार्केट को अपसाइड जाना है ना, तो जितने ये गैप है, जितने ये गैप मान के चलो तो इतना तेजी से गिरा है, फॉर एग्जाम्पल यहां दिखाता हूं आपको, ये मान के चलो इतना गिरा है नीचे, ठीक है, ओपनिंग हो या गैप डाउन हो, इतना नीचे गिर गया है, उसके बाद जो ट्रेड कर रहा है, तो मैं जितनी इसकी हाइट है उतने हाइट में उधर लेके जाऊंगा, और मैं एक ट्रेंगल बनाऊंगा सिमेट्रिकल, और ये ट्रेंगल यहाँ पे जीरोधा पे नहीं है, ट्रेंगल यहाँ पर भी नहीं है, ट्रेडिंग व्यू में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मतलब कोई थ्योरी नहीं है इसकी, वो बस मैंने देखा, मैंने खुद की बारे में थ्योरी, ऐसे कोई थ्योरी नहीं है इसके, तो इस पर कोई थ्योरी नहीं है, तो फिर उसके तो मतलब जो होते ना कोई थ्योरी नहीं है, प्रूफ नहीं है, तो वैलिडेशन कोई मतलब उसको मोहर तो लगा नहीं पाएगा कि हाँ ये एक थ्योरी बन गई है, ऐसा कोई थ्योरी नहीं है। इसको मैं देखा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसको मैंने साल भर उसको एनालाइज किया, तब जाके मैंने इसको निकाला कि हाँ इस तरह होता है, कि जितने उसके हाइट है उतनी हाइट पे हमने यहाँ पर मार्क किया और एक सिमेट्रिकल ट्रेंगल बना दिया, और
ये डिस्टेंस जितनी इसकी हाइट है और जो भी डिस्टेंस है उसके बेसिस पर मैंने टाइम कैलकुलेशन करूंगा, करके निकालूंगा कि हाँ मुझे इतने टाइम से पहले उसको ऊपर ब्रेक करना चाहिए, 10 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर। अगर उसने इतना तो ब्रेक नहीं कर रहा है, अभी भी उसने पूरा जो यहाँ पर गेम बजा डाला उसने, उसके बाद वो जा रहा है ऊपर, समझ लेना कुछ नहीं होगा। समझ में आया? कुछ लोगों को समझ में आया होगा या नहीं आया होगा? यस सर, आप पहले भी एक बार यस ट्रेड लिए थे सर, इसी कॉन्सेप्ट पे पूछ रहे थे हम। हाँ सर, आपने कुछ कैलकुलेशन करके बताया था लेकिन समझ में नहीं आया था हाँ, उस टाइम। पहले सर समझ में अभी भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये चीज है नहीं यहाँ पर। देखो कि ट्रेंगल ट्रेडिंग ट्रेडिंग भी नहीं है, जिरादा में भी नहीं है, क्योंकि देखिए ये कुछ चीज होते हैं ना मेरे खुद के होते हैं, है ना। खुद एनालिसिस करके निकाला था, चार्ट को देखा, इस तरह होता है, मैंने नोटिस किया, और फिर हमने उसको बैक टेस्ट किया था, साल भर लगे थे, फिर हमने निजार पे निकला कि ना ही ऐसे होता है, होना चाहिए। क्योंकि ये जो हाइट आप देख रहे हो ना, यहाँ पर मैं सिमेट्रिकल ट्रेंगल बना दूंगा ना यहाँ से करके, तो उसके बाद मैं देखूंगा कि भाई इसको ऊपर जाना है ना, तो कम से कम यहाँ तक उसको निकाला जाना चाहिए था, ये डिस्टेंस तक, समझ रहे हो, उसको निकाल जाना चाहिए था। यानी यहाँ पर पूरा टाइम लगा देना, यानी टाइम के जो वैल्यू है ना, ये टाइम बहुत लगा दिया, डिस्टेंस वाइज डिस्टेंस के साथ टाइम के जो रेशियो निकालते तो बहुत लगा दिया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से वो निकलेगा। साथ में वॉल्यूम का भी कंफर्म देखता है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कहाँ पे सेलिंग आ रही है, कहाँ पे बाइंग आ रही है, सारे चीज एक चीज से नहीं है, सबको देखते ही बोला जाता है कि भाई ये अगर ब्रेकआउट भी देगा ना, इसके बाद ब्रेकआउट भी देगा तो मैं यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं हूँ, क्योंकि उसने टाइम डिके का दिया, और उसे कितने स्टेप लिया, देखो भाई बहुत एडवांस स्टेप हुई कि बार बार बोल रहा हूँ, उसको अभी समझ भी नहीं आएगा 5 मिनट के टाइम क्लास में। यहाँ पर देखिए स्टेप को, देखिए स्टेप को, देखिए स्टेप दिखाए, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, कितने छोटे टाइम फ्रेम में कितना दिखा दिया, ये हो सर गया तीन तीन, वाला, तीन हो यस गया ना, और तीन वाले के सर, बाद भी वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, बहुत सारे पैरामीटर है, बैठ नहीं कर पा रहा है, अपने सिमेट्रिकल हिसाब से बैठ नहीं पा रहा है, वॉल्यूम यहाँ पे, यहाँ से सेलिंग चालू हो गई थी, और सेलिंग यहाँ पे चालू होने के बाद जो बाइंग वॉल्यूम आई थी, बाइंग वॉल्यूम देखोगे आप, बाइंग वॉल्यूम बढ़े नहीं है, देखो आप सेलिंग वॉल्यूम बढ़ने के बाद बाइंग वॉल्यूम बढ़ने चाहिए ना, कहाँ हुआ, एक बार इसने ब्रेकआउट दिया बाइंग वॉल्यूम ने, बाकी उसका फॉलोअप नहीं है, फिर कम हो गया वॉल्यूम, तो बहुत सारी चीजें हैं इससे देखा कि नहीं, अब वो आगे इसका जान नहीं है, पहले हमने पुट लेने के लिए नहीं था, लेकिन जब हमने देखा कि इतना टाइम लगा दिया उससे सिमेट्रिकल ट्रेंगल पर जाने के लिए, जान नहीं है, वॉल्यूम भी कम हो रहे, अब सोचा कि भाई नहीं, फिर हमने अलग से एक अलग थ्योरी लगाई यहाँ पर, अलग थ्योरी बोलिए। हाँ जितनी हाइट है, जितनी उसकी हाइट है ना, मान के चलो 100 पॉइंट्स की हाइट है, तो 100 पॉइंट उधर से निकाल दो आप, ठीक है, कुछ इस तरह का ट्रायंगल बनेंगे। नॉर्मल केस में देखा जाता है कि अगर उसको निकालना है ना, तो उतने टाइम के, क्योंकि यहां नीचे की तरफ टाइम भी तो हो गया ना, जो वाई डायरेक्शन पे क्या है अपने, सॉरी एक्स है, एक्स कोऑर्डिनेट पे क्या निकल रहा है, टाइम निकल रहा है ना, और वाई यस वाई कोऑर्डिनेट पे अपने वो निकल रहा है, वाई पे तो आ गया है वैल्यू, आ गई, राइट, अब यहाँ टाइम निकल रहा है, तो टाइम जो है अपने मान के चलो यहां तक जो आ रहा है, हो सकता है कि 10 बजे तक यहां तक आया होगा, 20-12 बजे तक तो आया होगा, कुछ ना वैल्यू तो यहाँ बनी होगी ना, तो उसके टाइम हो उसके यहाँ से निकाल देना चाहिए उसको, सीधा हिसाब है जो उसको जाना है, तो मोमेंटम उसी के अंदर ही पकड़ना चाहिए, ध्यान रखना, उसको अगर आउटसाइड जाना है तो उसी को अंदर ही पकड़ना चाहिए, वो अगर नहीं जाता है यहीं पे घूमता है ना, वो समझ लेना भाई गड़बड़ है, अब आपको कन्फर्मेशन नहीं है डाउन जाएगा, समझ लेना गड़बड़ है, आप डाउन जाएगा या ये सही में ये डाउन जाएगा या रेंज घूमेगा, उसके लिए फिर दूसरे एनालिसिस करने पड़ेंगे, बट यहाँ से एक एक मतलब एक राफ आइडिया मिल जाता है कि गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पर क्या देखोगे आप, निकल गया पहले ही, निकल गया ना पहले ही, यहाँ देखो सर इसका टाइम लिमिट क्या है ट्रायंगल ब्रेक करने का? टाइम लिमिट, जितने हाइट है पॉइंट उतने अपने पॉइंट उधर पॉइंट निकाल दो, तो कुछ टाइम नहीं आएगा ना यहाँ पर, 11 बजे 12 बजे कुछ तो आएगा यहाँ पर, यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर टाइम अगर निकालता हो तो यहाँ का कुछ आ रहा है, ये टाइम क्या है, टाइम है बताइए आप, ये टाइम क्या होगा, ये टाइम होगा अपना, ये टाइम आएगा करीबन 11-15 मान लो, 11-15-20 11-15 मान लो आप, उससे पहले निकाल लेना चाहिए,
और सिर्फ इसको ये मत सोचो भाई, आप कल से ये कुछ लोग सोचेंगे कि अरे यार बता दिया ट्रेंगल बनाओ, डेली ट्रेंगल ट्रेंगल बनाऊंगा और ट्रेंगल को जैसे ऊपर के ब्रेक में बाई करूंगा। नहीं भैया बाई नहीं करना है, मैं ट्रेंगल को तभी बोला कोई थ्योरी नहीं है, ये मैंने एनालिसिस किया और उसको मुझे रिजल्ट अच्छा दिखे, ठीक है कुछ नहीं है, और ये फिर ऊपर जाके नीचे जाएगा, इसके लिए आपको अलग एनालिसिस करने पड़ेंगे, लेकिन ये होता है ना। साथ में वॉल्यूम को भी कंफर्मेशन लूंगा, बहुत सारी चीजें है उसको कंफर्म लिया जाता है, आपको यहां दिखाऊंगा ये क्या दिख रहा है, देखिए मैक्सिमम टाइम होता है, देखो ना आप ये है ना ओपन हुआ है ना ये अब देखिए यहां पर क्या हुआ, ये तो पहले निकल गया, निकल गया पहले ही मूवमेंट दे दिया। और दिखाता हूं आपको कुछ चीजें, अब इसका मतलब ये मत सोचो कि भैया डायरेक्ट मैं सुबह सुबह आकर ट्रेंगल बना दूंगा और यहाँ पर कूद जाऊंगा, है ना, कि भैया बोले थे भैया ऊपर जाएगा या नहीं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं ट्रेंगल सेटअप लगाऊंगा नहीं, क्योंकि ट्रेंगल से लगाऊंगा गैप देखिए इतना हो गया, इसके बेसिस लगाऊंगा तो मैं यहां तक जाएगा, इतना बड़ा कौन वेट करेगा, है ना। तो हर जगह लगाता नहीं हूं मैं, कुछ जगह होता है लगाने का, ठीक है समझ में आया। तो हमने इस चीज को देखते हुए हमने बोला कि नहीं बिल्कुल जैसे यहां तक प्राइस पहुंच चुका है, कैलकुलेशन किया अपने कैलकुलेटर लगाया हमने, अगर कैलकुलेशन किया कि नहीं भैया अभी तो उसको निकल जाना चाहिए था, वो अगर नहीं जा रहा है उसका मतलब गड़बड़ है, और उसके बाद अब हमने क्यों बोला कि घिरेगा, ये हमने अवार्ड क्यों दिए, ये अवार्ड इसलिए दिए क्योंकि यहां पर हमने देख रहा हूं मैं कि यहां पर जो स्टेप वाइज जो चल रहा था ना, ये यहां पर लॉजिक काम आते हैं, क्योंकि जो लोग यहां पर ध्यान से सुनना, जो लोग यहां पर कल शॉर्ट किए थे वो लोग थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुक कर रहे थे, इसलिए थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा था, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा था। यहाँ पे ठीक है कुछ लोगों ने यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न भी दिखा है ना, कुछ लोगों को यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न भी दिखा, चलो भाई डब्ल्यू पैटर्न है उसको ब्रेक किया, नहीं दिख रहा डब्ल्यू पैटर्न, डबल बटन दिख रहा है, डबल बटन बनाया ना, ये कुछ लोग डब्ल्यू पैटर्न बना, यहाँ पर लोग बाई भी किए होंगे, ये देखो ऊपर भी गया बाई भी किया है, लेकिन यहाँ पर डब्ल्यू बटन काम नहीं आया, बाद में बोलेंगे डब्ल्यू बटन काम नहीं आता है बेकार चीज है, यहाँ बेकार बेकार कुछ नहीं है, यहाँ पर यही तो होते हैं ना भाई रिटेलर में क्यों फंस जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ पैटर्न को फॉलो करते हैं। यहाँ पर लॉजिक हमने ये देखा कि एक तो चलो ठीक है ट्रेंगल बड़ा बता दिया आपको, और दूसरा ये है ट्रेंगल के साथ साथ हमने देखा कि यहाँ पर जो ये जो वॉल्यूम जो ब्रेकआउट किया था ना, वॉल्यूम कहाँ आया देखिए आप सर, नहीं आया। और एक चीज और बताता हूँ आपको, जिस तरह लगता है कुछ नया टॉपिक होगा नहीं, जिस तरह क्या है ना आपने देखे होंगे कैंडलस्टिक पैटर्न, पिन बार, बुलिश एंगल्फिंग और कौन कौन से होते हैं, एक पैटर्न ये होता है ना एक रेड कलर बनती है, ये नाम भी याद नहीं आता क्योंकि मैं फॉलो वॉलो करता नहीं हूँ ये सब चीज को, इससे नाम मुझे याद नहीं आता है कि क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक रेड उसके बाद यहाँ पर डोजी फिर बनती है ग्रीन, ये तीन कलर के क्या बोलते हैं, तीनों को बोलते ना एक साथ, हाँ शूटिंग, हाँ ये तीनों को मिला के बोलते हैं ना, ये हाँ ये बोलते हैं आपके थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न, थ्री कलर के पैटर्न है, कुछ होते हैं दो कलर के पैटर्न होते हैं जैसे मारुबजू, ये सॉरी मारुबजू नहीं, ये बुली शंकल्फिंग बियर शंकल्फिंग, ये दो कलर के पैटर्न है, सिंगल कलर के पैटर्न क्या होता है सर, ये हो गया डोजी हो गया। तो जिस तरह कैंडल के पैटर्न होते हैं उस तरह वॉल्यूम के भी पैटर्न होते हैं, आप सुने होंगे पहली बार, जिस तरह कैंडल के पैटर्न में काम किया जाता है ना इस तरह वॉल्यूम के पैटर्न पे ही काम किया जाता है, ठीक है। और ये वॉल्यूम के पैटर्न बहुत खतरनाक होते हैं, आप सोच नहीं पाओगे, यहाँ पे वॉल्यूम के कुछ पैटर्न देखा हमने, वॉल्यूम के पैटर्न कौन कौन से होते हैं मैं यहाँ पर ब्रीफली बताता हूँ आपको, एक पैटर्न होता है वॉल्यूम का इस तरह, अरे यार चलो ब्लैक कलर लेता हूँ नहीं तो फिर सोचेंगे रेड बना दिया, चलो रेड ही लेता हूँ, अरे क्या बन गया ये देख लेता हूँ, अच्छा ये माउस हो सर, एक देखो ये पतली मोटी ये और ये हो गया एक पैटर्न, इसको थोड़ा मैं ग्रीन ले लेता हूँ, चलो कलर चेंज कलर ले लेता हूँ, ये हो गया एक पैटर्न, ठीक है ये वाला रेड है, ध्यान रखना ये वाला रेड है, रेड बनाया था यहाँ पर,
ये रेड है, ये वाला ग्रीन है, ये हो गया एक पैटर्न। एक पैटर्न होता है कुछ इस तरह, मैं यहां पर बनाता हूं, जैसे मान के चलो ग्रीन है, रेड है और उसके बाद ग्रीन है, ये होता है एक पैटर्न। एक पैटर्न होता है रेड, दूसरा रेड और उस तरह, एक पैटर्न होता है रेड। सारे दिमाग से ऊपर से जाएंगे, समझ में आ रहा होगा, मुझे भी समझ में आ रहा है, ये होता है एक पैटर्न। और तो इस तरह वॉल्यूम के कुछ पैटर्न्स होते हैं, है ना, जिस तरह प्राइस के पैटर्न होते हैं ना, जैसे बताया था आपको तीन कलर के पैटर्न, क्या नाम दिया आपने क्या मॉर्निंग स्टार, फिल्म स्टार, तो इस तरह क्या होता है, कुछ इस तरह पैटर्न होते हैं। तो इन पैटर्न को ही देखते, जिस तरह आपने हेमा कैंडल मॉर्निंग स्टार या जो भी स्टार देखते हो आपने ट्रेड लेते हो ना, तो वॉल्यूम पैटर्न के बेसिस पर भी आप ट्रेड लिया जाता है। ठीक है, ये सर ये तो बताया था पहले, ये तो बताया था पहले, लेकिन ये चीज थोड़ी बताया था कि किस पैटर्न से क्या ट्रेड लोगे आप। नो सर, वो नहीं बताया था कब ट्रेड लेना सर, वो नहीं पता इसके। तो इस तरह होते हैं पैटर्न्स, होते हैं वॉल्यूम के होते हैं, मार्क करने के लिए बताया था सर। हाँ, मार्क करने के, लेवल मार्क करने के लिए, और उन्हें उसी के बेसिस पे लेवल को निकाला जाता है, उसी को बोलते हैं वॉल्यूम पैटर्न के। ये ब्रेकआउट के थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आप देखोगे ना ये थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, एक दिन में समझ नहीं पाओगे, तो इसलिए मैंने अभी एक दिन में समझा नहीं, इसलिए मैं समझा नहीं रहा था इस चीज को, मैं सोच रहा था कि पहले उसको ठीक है एक दिन दो दिन टाइम लगेगा फिर समझाऊंगा तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, एक दिन में आपको समझ भी नहीं आएगा, फालतू के क्या हो रहा है, जो टाइम है ना वो निकल जाता है नए कॉन्सेप्ट में। तो वॉल्यूम के पैटर्न यहाँ पर क्या देखा आपने, जब इस ये जोन है यहां से यहां तक, यहां तक क्या बन रहा है प्राइस में, ठीक है, वॉल्यूम में क्या बन रहा है दिख रहा है आपको, ये बड़ा खतरनाक है, ये दोनों प्राइस ऐसे वॉल्यूम ऐसे, ठीक है, सिर्फ मैं पूरे बात नहीं कर रहा, यहां से सिर्फ ओनली यहां तक, यहां तक, और उससे क्लियर होता है कि डब्ल्यू पैटर्न कंफर्मेशन होगा कि नहीं होगा। कभी कभार क्या होता है प्राइस और वॉल्यूम ऐसे ही होता है कि डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है, अब उसको कंफर्मेशन कैसे लिया जाएगा, जो डब्ल्यू पैटर्न बना था तो कैसे बना था, बीच में छोटी छोटी आपके बनती आ रही है, लास्ट में क्या दिख रहा है भाई ये बताइए आप, वॉल्यूम क्या इंडिकेट कर रहा है, डाइवर्जेंस की हारमोनी है सर, हारमोनी है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है, हारमोनी है, लेकिन यहाँ पे चार वॉल्यूम कर लेकिन पांचवे वॉल्यूम कहां से कम हो गया, सेलिंग कैसे कम हो गई, यानी यहां से लेकर जो है पूरे के पूरे जो है अपने एक ट्रैपिंग जोन है, ये कोई अपने डब्ल्यू पैटर्न नहीं है, ये ट्रैपिंग जोन है, नॉर्मल डब्ल्यू पैटर्न के साथ, नॉर्मल डब्ल्यू पैटर्न का जब चलता है तब डब्ल्यू पैटर्न के पहले क्या चल रहा था उसको देखिए आप, तो आपको समझ में आएगा। अब चलो डब्ल्यू पैटर्न बताइए आप, यहां बना डब्ल्यू पैटर्न, ये बना था डब्ल्यू पैटर्न, हाँ सर, अब बताइए मुझे डब्ल्यू पैटर्न बनने से पहले क्या हुआ था, तीन कैंडल के देखिए, अरे यार ये तो मैंने कल वाले दिन में ले आया, बता दो क्या आज नहीं, चलो कल बता दूंगा इस चीज को, इसको नहीं, ये थोड़ा ये कल वाला सीन है, यहाँ पे ट्रेड लिया था डब्ल्यू पैटर्न या इनवर्टेड हेमर पैटर्न पे कुछ ढूंढता, और रुकिए आप, चलो एम पैटर्न की बता देता हूँ, एम पैटर्न ये बना एम पैटर्न, डबल टॉप जिसको बोलते हो आप, नाम देते हो, ठीक है, ब्रेक के नीचे गया, ये एम पैटर्न बनने से पहले का सीन देखिए, यानी एम पैटर्न कैसे बना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एम पैटर्न बनने से पहले का सीन देखिए क्या दिख रहा है, इंक्रीज क्या इंक्रीज हुआ, हाँ वॉल्यूम सर। इंक्रीज हुआ है ना, वॉल्यूम इंक्रीज के बाद क्या आया, छोटी सी रेड कैंडल, इंटरेस्टिंग, फिर उसको इमीडिएटली ब्रेकअप किसने दिया,
वॉल्यूम सर, किसने ग्रीन बोली हमने? अच्छा हाँ है ना, पहले क्या था मैं ध्यान से सुनना, डब्ल्यू बटन बनने से पहले वॉल्यूम इंक्रीज, रेड वॉल्यूम छोटी, अचानक सेल कम हो गई, काफी ज्यादा ड्रास्टिकली कम हो गई सेल, बट हुए है। और यहां पर अगेन ग्रीन कैंडल, यानी जो भी सेल हुए थे सेलर की पावर देखिए, हिम्मत, पावर तो नहीं हिम्मत देखिए, इतने बड़े बाइंग कैंडल होने के बाद भी सेल कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये सेल कौन कर रहा है सर, ये बाई कौन कर रहा है? इतने बड़े बाई कैंडल, लास्ट के जो बाई कैंडल कौन बना रहा है? रिटेलर बना रहे होंगे ये, ठीक है, स्मार्ट मनी इतने आप ऊपर लेवल पे नहीं खरीदते, वो नीचे ही खरीदते वो, ठीक है, तो इतने वो बाई कर रहे हैं। तो एक दिन आपको बताया था ना, एक दिन याद करो पहले क्लास में बताया था कि 5 मिनट का जो कैंडल है उससे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो बुलिश है कि बियरिश है, क्योंकि हो सकता है कि 5 मिनट होते होते वो मतलब ऊपर जा नहीं पाया, नेक्स्ट के लिए फॉर्मेशन हो गई थी, बताया था ना आपको। तो यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट देखिए कि यहाँ पर सेलिंग हो रही थी एक्चुअली, ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो ना ये बाइंग कैंडल दिख रहा है आपको, बट वो सेलिंग है, यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट कर दिए थे किसने? स्मार्ट मनी ने, बाई कर रहे थे रिटेलर, और ये सेलिंग स्टार्ट हो गया था ना, इसलिए देखिए नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे जहां पे ओपन वहीं पे गिर गया, वो सेलिंग स्टार्ट होती हो गई थी और खत्म नहीं हुए, टाइम खत्म हो गया, 11 बज गए थे, 11:05 हो गए थे, सेलिंग स्टार्ट कर दी उन्होंने, 11:05 होते 11:06 हो गया ना, लेकिन वो सेलिंग खत्म नहीं हुई, 6 पे भी सेलिंग चल रही थी, इसलिए वो सेकंड कैंडल रेड बनी थी, बट सेलिंग स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। नोट वॉल्यूम बढ़ते हुए दिख रहा है आपको, अच्छी खासी वॉल्यूम है आपको दिख रहा है, और सेलिंग स्टार्ट हो गई थी पहले ही, और उसके बाद ये सेलिंग जो नेक्स्ट टाइम चार्ट स्टार्ट हो गया था टाइमर, तो इसलिए रेड कलर दिखी, तो ये जो सेलर है ये आपके स्मार्ट मनी के सेलर है, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि कम वॉल्यूम में स्मार्ट मनी हो नहीं सकते क्योंकि ये स्मार्ट मनी के सेलिंग है, ठीक है। और उसके बाद बायर्स की ताकत देखिए, बायर्स कि नहीं यार मैं बाई कर लूंगा, बायर्स आए थे लेकिन फेक बायर्स है ये, फिर वो ये रिटेलर वाला है। तो इस तरह के जो सिचुएशन देखो कि ये जो एम्पटअप बना था, सॉरी एम्पटअप बना था, उसके बनने से पहले सिचुएशन क्या था, क्या सिचुएशन था? वॉल्यूम को देखते हुए, कैंडल को देखते हुए सिचुएशन क्या दिखा था कि एम पैटर्न बनने से पहले गेम पहले से प्लान हो गया था कि हम सेल करने लग गए थे, तब जाके ये फॉर्मेशन सही हुआ एम पैटर्न का, तब जाके आराम से नीचे यहां तक आया। अब मैं आपको बाइक की तरफ चलता हूं, डब्ल्यू पैटर्न मिल नहीं रहा था, मैं आपको दिखाया था, डब्ल्यू बटन कहाँ गया, ये था क्या, नहीं आज का था, अब देखना उसका ऑपोजिट सिचुएशन क्या बना था क्या, आज ध्यान से देखना आप, मुझे सही आ रहा था, वेरी गुड, सेलर बन रहे थे, ये कौन सेलर थे? रिटेलर्स, रिटेलर थे है ना, जो नए नए सेल करते हैं ना, चलो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सडनली सेल कम, और उसमें क्या हुआ था, बाइक के बाद ऑपोजिट कलर के कैंडल बने थे ना, यस सर, बाइंग कैंडल के बाद ऑपोजिट कलर कैंडल बने थे, यहां पे क्या हुआ था, यहां पर हुआ था, अगर यहां पर रेड कलर ग्रीन कलर बननी चाहिए थी छोटी सी, जो इंडिकेट करता है कि यहां पर कुछ ना बाय किए है छोटे छोटे अमाउंट पे, यानी बाइंग तो मैं क्या बोलता, यहां पर रिटेलर ने सेल किए थे और बाय कौन कर रहे थे, स्मार्ट मनी, हाँ तो ये होता है, ठीक है। बहुत देखिए तभी बोला मैंने कि ये कॉन्सेप्ट 5 मिनट के अंदर आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, थोड़ा सा एडवांस से आपको सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस चाहिए, नॉर्मल केस है कि यहां पर रिटेलर काम सेल तो रिटेलर कर रहे थे क्योंकि यहां पर आपको डाइवर्जेंस दिख रहे है ना, लेकिन यहां पर हो क्या रहा है कि यहां पर अगर सेल कर रहे हैं तो बाय अगर स्मार्ट मनी करते हैं, क्योंकि वो रिटेलर सेल तो कर रहे हैं, तो किसको कर रहे हैं वो रिटेलर सेल, या तो स्मार्ट मनी को करेंगे या तो करेंगे दूसरे रिटेलर को, अगर स्मार्ट मनी को करेंगे तो इसका मतलब है ये जो सेल कर रहे थे तो बाइंग भी चालू हो गई थी, और वो बाइंग आपको नेक्स्ट लेवल में दिखती, तो वो तो दिखी नहीं, यानी सेल किसको कर रहे हैं, वो रिटेलर को ही कर रहे हैं, स्मार्ट मनी यहां पर कर नहीं रहे, यही तो गेम हुआ है प्लान। देखो आप डब्ल्यू पैटर्न बना था, बट बनने से पहले का जो सिनेरियो है उससे आइडिया लगा सकते हो कि डब्ल्यू पैटर्न सक्सेसफुल होगा या नहीं, इन सारी चीज को देखा। और उसके बाद ये जो आप गया था, देखो ये जो आप गया था, देखो वॉल्यूम देखिए,
उतना तो खास, नो डाउट उसने हाई ब्रेकअप किया बट उतना खास नहीं है। तो मैं सोच रहा कि ये डब्ल्यू बटन जो है ये फेक है, ये ऊपर नहीं जाएगा, या तो ये इस तरह घूमेगा या तो गिरेगा। और उसने चलो ठीक है जैसे ही बताया था 2-3 मिनट के अंदर ही मारा झटका उसने। अभी भी डाउट है किसी को मन में कुछ? नो सर, देखिए एक दिन में समझ नहीं आएगा, टाइम लगेगा, तो काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। चलिए आप तो क्या, टाइम भी हो गया, आपको बताओ मैं डिस्कशन में डाउट है पूछ लो आप, आज तो क्या नया टॉपिक करेंगे। चलिए आप किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। सर कल का जो आपने ग्रुप में डाला था कि मेरा बाइंग पॉइंट ये है, वॉल्यूम ब्रेकआउट और मोमेंटम ब्रेकआउट, हाँ सर वो थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज। वो बता देंगे, थोड़ा रुकिए अभी, उसके लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, वॉल्यूम के पैटर्न चाहिए होता है। वॉल्यूम पैटर्न को समझा दूंगा इस सैटरडे संडे को, मैं वॉल्यूम के पैटर्न समझा दूंगा, कब कौन से वॉल्यूम पे क्या करना है, तब जाके आपको वो चीज़ समझ में आएगी, नहीं तो आपकी फिर क्या दिमाग से निकल जाएगी। ओके सर, और एक आप RSI आज बता रहे थे कुछ की सपोर्ट ले रहा है बार बार उसी लाइन पे, ये RSI के सपोर्ट पॉइंट है ना ये, वो भी अलग हाँ से ये क्लास। देखिए। नहीं वो अलग से क्लास तो कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आप यहाँ पर लोग यहाँ डाइवर्जेंस देखेंगे, यहाँ पर डाइवर्जेंस हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह प्राइस एंड सपोर्ट लेता है ना, इस तरह आरएसएन सपोर्ट ले रहा था पार्टिकुलर बिल्कुल उसी जगह पे। तो एक ये देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ लाइन ड्रॉ, बिल्कुल यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। देखिए आप ये जोन है, ये सपोर्ट जोन है, प्राइस ने सपोर्ट नहीं लिया, प्राइस का कंटिन्यू फॉल हो रहा था। जब यहाँ फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया था प्राइस देखो यहाँ पे था, आप यहाँ पर नो डाउट आपको डाइवर्जेंस दिखेंगे, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। रीजन क्या है कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आप डाइवर्जेंस को पकड़ ही नहीं पाओगे। किसलिए नहीं पकड़ पाओगे, एक मिनट, किसलिए नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि प्राइस ऊपर गया था तो वो तो दिन का दिन निकल गया। देखिए ना प्राइस ऊपर गया था ना, ये यस सर, तो RSI भी ऊपर गया, आप डाइवर्जेंस कैसे पकड़ोगे उसको। प्राइस नीचे आया, RSI भी नीचे आया, लेकिन यहाँ पर डाइवर्जेंस की बात नहीं। तभी मैंने इसलिए मैंने ग्रुप में लिखा था कि डाइवर्जेंस नहीं है, इसको डाइवर्जेंस मत सोचिए आप, ये डाइवर्जेंस नहीं है, कॉन्सेप्ट ही अलग है डाइवर्जेंस का। डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट है कि प्राइस आप जा रहा है ना, RSI नीचे जा रहा है, या तो प्राइस नीचे जा रहा है और RSI ऊपर जा रहा है, वो डाइवर्जेंस के हम कॉन्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर डाइवर्जेंस नहीं है, यहाँ पर यह है कि RSI सपोर्ट ले रहा है पार्टिकुलर जोन पे। देखिए 3 बार सपोर्ट लिया उसने, देख रहे हो, यस सर, तो इसका मतलब यह है कि प्राइस जैसे जैसे यहां पर आ रहा था नीचे, मैंने तो यहां पर एंट्री ली थी पुट के, जैसे नीचे नीचे आ रहा था और देखा कि एक तो साइकोलॉजिकल है 35,000 का, और दूसरा यह है कि यहां से उसने प्रीवियस जो 24 तारीख को यहां से भागा था, अगेन प्राइस उसी लेवल पे आ रहा था, और कन्फर्मेशन जो दिया था मुझे RSI ने दिया था कि RSI के भी सपोर्ट है, तगड़ा सपोर्ट है, तो मैं यहां पर मेरे प्रॉफिट बुक करना ही मैं बेटर समझूंगा, सर सपोर्ट ये देखो आप। 5 मिनट के टाइम देखता फ्रेम पर डिमांड जोन भी क्रिएट हुआ था क्या, एक बार जूम इन करके देखें। हूं मैं 5 मिनट के टाइम पर मैं डिमांड जोन ये वाला, यस सर, हाँ डिमांड जोन है ना, ये यस सर, और डिमांड सर जोन ये है। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो भी है ना यूट्यूब में डाले थे, पुल बैक वर्सेस रिवर्स सेल करके, किसने यस सर, देखे होंगे वीडियो है? हूँ क्या? यस सर, ये फर्स्ट टाइम में जब आता है तो वॉल्यूम अप होता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो तुरंत रिवर्सल ले लेगा, दोबारा उसी लेवल पे आएगा, उसके बाद वो अपसाइड सपोर्ट जाएगा। लेगा, तो देखिए यहां यस से सर, आने के बाद वॉल्यूम अचानक क्या हुआ, ब्रेकआउट दिया पूरे सेलर को, सेलर के वॉल्यूम जितने भी थे सबको ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम बढ़ा है, प्राइस भी बढ़ गया है, दैट मीन्स नाउ इट इज माई सपोर्ट। अब इसका मतलब अगेन उस जोन को टेस्ट करने आएगा, तब जाके हमारी एंट्री होगी। सर बीच में एंट्री नहीं RSI करनी, डाइवर्जेंस भी है इसमें। ऐसे में देखा नहीं, मैं तो मार्केट से निकल ही गया था। अब देखिए ऊपर जाएगा नीचे आएगा, अगेन ऊपर जा रहा ना, तो बीच में आप यहाँ एंट्री मत लो, आप ध्यान से सुनिए, यहाँ पे आपकी एंट्री नहीं होगी, माइक को बंद कर दिए, यहाँ पर आप एंट्री मत लो, ये मत सोचो कि यार आपको वेट करना है कि आपको जोन तक प्राइस आएगा ही आएगा, अगर नहीं आता तो छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए आया ना प्राइस, फिर आप एंट्री लीजिए, आप यहाँ पर बुलिश सिग्नल दिखता है एंट्री लीजिए आप, फिर आप ये है मोमेंटम, ठीक है। तो हाँ डाइवर्जेंस यस भी तो है RSI का, यहाँ पर प्राइस सपोर्ट लिया था, डाइवर्जेंस भी है, हाँ डाइवर्जेंस भी है।
लेकिन डाइवर्जेंस बाद में पता चला, जब आपका आरओ से यहाँ तक पहुंच चुका तो डाइवर्जेंस पता चला, लेकिन हमने वॉल्यूम में बता दिया कि यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट हो चुका है, मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी है, खत्म करिए का ही नहीं, ठीक है? आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए। बोले सर अगर ये सपोर्ट टूटा आरएसआई आरएसआई सपोर्ट तोड़ता, तोड़ने के बाद ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिस तरह आवाज माइक को बंद कर दीजिए, जिस तरह आपने प्राइस को चेक करते हो ना, प्राइस के ब्रेकआउट, इसी तरह आरएसआई की ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन कंसीडर करिए। अगर वो आरएसआई सपोर्ट को ब्रेक करता है ना तो टेस्ट करने जरूर आएगा, समझ रहे हो? इसको बोलते हैं आरएसआई ब्रेकआउट, मोमेंटम ब्रेकआउट, इसको बोलते हैं मोमेंटम ब्रेकआउट। अरे माइक को बंद कर दीजिए, किचन किचन आवाज। अरे नीलेश जी माइक को बंद कर दीजिए। जो आरएसआई है, जिस तरह आपने क्या करते हो, प्राइस को, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, कैंडल ने ब्रेकआउट देने के बाद किसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, फिर टेस्ट करने जरूर आता है, इसी तरह जो आरएसआई है उसको भी अगर कोई ब्रेकआउट देता है, आरएसआई का जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट देता है, तो टेस्ट करने जरूर आएगा, फिर आप वहां एंट्री ले सकते हो। आरएसआई का अगर सपोर्ट है उसको अगर ब्रेकडाउन देता है उसके बाद टेस्ट करने आएगा तो उसको एंट्री ले सकते हो। और आरएसआई के ब्रेकआउट बहुत खतरनाक है, आप सोच नहीं पाओगे, आप पूरे डेटा के डेटा यहीं रहते हैं वो छुपे हुए, आप सोच नहीं पाओगे। प्राइस ब्रेकआउट नहीं दिया, आरएसआई ने ब्रेकआउट दे देता है पहले से ही, और टेस्ट भी कर लेता है, मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूँ आपको, तो बहुत सारी चीजें आप देख, चार्ट को देखो तो सही। ये नहीं कि आरएसआई लोग किसी आरएसआई को यूज करते कि 60-40, यहाँ पे 60-40 के लिए यूज नहीं किया जाता है, यहाँ पे यूज किया जाता है कुछ डेटा निकालने के लिए, डिकोड करने के लिए, ये उसी का ही काम है आरएसआई का, डेटा को डिकोड करिए जितना हो सके, या 60-40 के चक्कर में रह जाओगे तो बाकी रिटेल ट्रेडर की तरह रह जाओगे आप। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीजें, ब्रेकआउट रिटेस्ट, हाँ यहाँ है शायद, हाँ यहाँ है, ये देखिए। अरे यार कल के सिनेरियो कल बताया था ना आपको, मोमेंटम ब्रेकआउट, वॉल्यूम ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट से कंफर्म हो गया था, मुझे एंट्री लेनी है बाई की तरफ, वो कल आपको पता चलेगा जब आपको समझाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। मैंने सुबह के 3-4 कैंडल को देखते हुए मैं कंफर्म हो गया था मुझे बाई की तरफ एंट्री लेनी है ना। अब सुनने में थोड़ा तो अजीब सा लग रहा होगा, कहां थे अरे 3 मिनट है क्या, जो 5 मिनट के जो कैंडल है, 3 से 4 कैंडल को देखते हुए कंफर्म हो गया था कि मुझे बाई की तरफ ही जाना है कल के दिन में। अब आप अभी आपको सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, जब आपको पता चल जाएगा रीजन बता दूंगा आपको तो आप भी बोलोगे हाँ सही है। सर हम भी थे 61% का लेवल वहीं पे था और सपोर्ट भी लिया था वहीं। 61% सब फेल भी तो होते हैं, फेल नहीं होते क्या, ब्रेक तैयार थे। चलो ठीक है ठीक है, देखिए 61% की बात कर रहे हो ना आप, फिबोनाची के मान के चलो 61% है, प्राइस यहां तक आएगा, अगर उसको ब्रेकडाउन दे दे तो फिर तो नीचे गया सर, नीचे गया। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ आपको, वॉल्यूम के जो ब्रेकआउट है इतने खतरनाक है कि मुझे बाई करना तो करना ही है, ब्रेकडाउन देगा तो मैं सेल नहीं करूंगा, ये होता है वॉल्यूम ब्रेकआउट के पावर। और जो वॉल्यूम के जो कैंडल स्टिक, जैसे कैंडल स्टिक के पैटर्न होता है ना, तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम स्टिक पैटर्न, इसको बोलते हैं पावर, कि वो यहीं से जाएगा तो जाएगा ही जाएगा, गारंटी है जाएगा तो जाएगा यहीं से, इसको नीचे की तो जाएगा तो ट्रैप ही करेगा वो, फिर ऊपर जाएगा। ये वॉल्यूम स्टिक पैटर्न होते हैं, यूट्यूब पे सर्च मार लेना वॉल्यूम स्टिक पैटर्न का, शायद मिलेगा नहीं, देख लेना आपको मिलता है तो, बट बहुत पावरफुल है ये, मिलेगा नहीं वॉल्यूम स्टिक पैटर्न, मिलेगा नहीं कहीं, ये फालतू के बोल के फायदा नहीं, नहीं मिलता है ना, क्योंकि देखिए कुछ चीजें अपन खुद निकालते हैं ना, तो उसका काम पब्लिक में तो बताया नहीं तो फिर आपको कहाँ मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है, चलो मैं चलो क्या बोल रहा था, मैं बुला दिया मुझे आप। सर आपने हाँ, बोला कि 5 मिनट के 3-4 कैंडल से ही पता चल गया था आपको किस कॉल की तरफ जाना है। आरएसआई के बोल रहा था, वो तो आपको पता चलेगा 3-4 मिनट की, वो तो बात की बात है। यहाँ पर देखिए आरएसआई में कल जैसे लिखा था मैंने कि वॉल्यूम ब्रेकआउट एंड मोमेंटम ब्रेकआउट, तो मोमेंटम ब्रेकआउट की बात यहाँ पर कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए अगर मैं थोड़ा सा 2 मिनट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे क्लियर दिखता नहीं है जीरोधा के चार्ट पे, ट्रेडिंग पे सही दिखता है, तो उसको मैं 2 मिनट कर लेता हूँ चार्ट को, ताकि आरएसआई के मूवमेंट थोड़ा सा और इसको हटा रही है, बहुत परेशान करता है।
कल का मैंने लेके रहा था चार्ट। ध्यान से चीजों को देखना आप, मैं थोड़ा आरसे को बड़ा करता हूं, प्राइस को मैं छोटा ही करता हूं, प्राइस को छोड़ो आप। ये क्या लग रहा है आपको आरएसआई नहीं? यहां पर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां पर ये सपोर्ट ले रहा है आरएसआई, थोड़ा यस सर, सा ऊपर लेता हूं आरएसआई को। हाँ ये ध्यान से चीजों को, तो प्राइस को छोड़ दीजिए आप, गोली मारो प्राइस को अभी, सिर्फ आरएसआई को देखिए। यहां पर देखिए आरएसआई क्या कर रहा है, यहां पर डबल बॉटम बनाया और हायर हाई लेने लग गया था। और रेजिस्टेंस क्या है आरएसआई का? लाइन मोटी हो गई, कहां से रेजिस्टेंस ले रहा था बार बार? ये देखिए दे रहा है यहां पर, दे रहा है ना यहां पर, ये देखिए एग्जैक्टली यहां पर है। यस सर, ड्रॉ किया हमने, अब मुझे यस बताइए यहां पर आरएसआई के ब्रेकआउट हुआ? सर, यस सर, हुआ यस सर, उसके बाद क्या हुआ? सर रिटेस्ट, यस, उसी जगह रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए, यानी आपकी जो एग्जैक्टली जो आपको पहले से पता चल गया है यहां पर कि मार्केट क्या होगा, जाएगा धमाका ऊपर जाएगा। जाएगा, और अपसाइड जाएगा। देखिए वॉल्यूम के जो एनालिसिस है उससे मैं वो भी पता चला, कंफर्मेशन दो चीज से लिए थे मैं, क्या बताया था, वॉल्यूम ब्रेकआउट एंड आरएसआई ब्रेकआउट, मोमेंटम ब्रेकआउट। तो हमने यहां से देखा कि आरएसआई ने ब्रेकआउट दे दिया था, प्राइस ने कुछ नहीं किया, प्राइस शांत बैठा हुआ है, प्राइस आई भी यहीं पर बैठा हुआ है 30 के आसपास, कहां बैठा हुआ है, सॉरी आरएसआई 30 के नीचे, और प्राइस यहां पर घूम रहा है। अगर मैं प्राइस दिखाऊंगा आरएसआई आपको, ये देखिए प्राइस कहां पे घूम रहा है, प्राइस अभी भी यही है यहां पर ट्रेड कर रहा है प्राइस, ठीक है। अरे ये लाइन बन कहां से आ गई, सर डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, हेड एंड शोल्डर वगैरह सब बनते हैं इस पैटर्न में सब बनती आरएसआई। है, सब बन सर बिल्कुल। ये, सर ये पहले, और आपको पहले ट्रेड में पहले निकालने के लिए भी बोल देता है कि मोमेंटम चेंज होने वाला है, निकाल लो आप। हाँ और क्या, तो भी तो कह रहा मोमेंटम ब्रेकआउट बहुत खतरनाक है। आप देखिए प्राइस यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा है, ये रेंज के अंदर घूम रहा है, ठीक है। अब चलो ठीक है, इस रेंज को प्राइस ने कब ब्रेकआउट दिया बताइए, इस रेंज को प्राइस ने ब्रेकआउट कब दिया था? सर 10:30 बजे के बाद। ये दिया था ब्रेकआउट है ना, अच्छा हाँ सर, ये तो पहले। अरे कुछ ज्यादा ही पीछे हो गया है। चलो मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूँ आरएसआई की, लाइन मिट गई है, यहाँ पे करता हूं मैं ये, ठीक है। आप ध्यान रखना, आप इसने प्राइस ने ब्रेकआउट यहां दिया, मैं अगर यहां पे अगर मार्किंग करता हूं कि मेरे ये प्राइस की ब्रेकआउट, ये है ना प्राइस की ब्रेकआउट, यस सर, और आरएसआई ब्रेकआउट कब दिया था? 9:30 में ही, 9:35। एडवांस, एडवांस दिया ना आरएसआई ने, तो आपको तो यस कम से कम तो ये पता चल जाएगा ना कि आरएसआई ब्रेकआउट दे दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आरएसआई ने ब्रेकआउट दे दिया और टेस्टिंग कर दिया, आंख बंद करके उठा लो, उठाने से होगा क्या बताए आपको? होगा ये कि नीचे आएगा और ऐसे उड़ा देगा, फिर बाद में उड़ेगा, क्योंकि प्रीमियम डिके होता है ना इसमें, इसमें तो प्रीमियम डिके होता है, इसमें अलग से सीन है, ये तो फ्यूचर तो नहीं है, या तो कोई स्पॉट तो नहीं है, कोई स्टॉक तो नहीं है कि प्रीमियम डिके का चांस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हमने यहाँ पर हमने ये देख लिया कि यहाँ ब्रेकआउट दे दिया है, मुझे तैयारी करनी है 22 की, और हमने जैसे वॉल्यूम का दूसरा कन्फर्मेशन ले लिया था यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से हमने कन्फर्मेशन ले लिया था, कितने टिम के लिए कितने होती है, 9:15, 9:30, 9:30 तक हमें कन्फर्मेशन हो गया था, मुझे अपसाइड जाना है, 9:30 पे मुझे कन्फर्म हो गया था मुझे अपसाइड जाना है, और आरएसआई ने यहां पर मुझे दे दिया दूसरा कंफर्मेशन, मोमेंटम ब्रेकआउट हो गया था, वॉल्यूम का जो पैटर्न बन गया था वो पैटर्न भी बन गया था, वॉल्यूम का आरएसआई की भी पैटर्न बन ब्रेकआउट दे दिया था, मुझे कंफर्म था बाय करना है। अब बाय कब करूंगा, बाय में कब तक करूंगा, जब अगेन इस जोन के अंदर टेस्ट करने आएगा प्राइस ने, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया ना, तो ब्रेकआउट देने को टेस्ट तो करने आएगा वहीं पे, नहीं आएगा क्या? यहीं पे आएगा तो आने दीजिए ना आप, बढ़िया क्या रहेगा पता है आपको? देखिए यहां पर भी बाई करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी बाई करोगे तो आप प्रीमियम क्या दोगे, प्रीमियम अगर मान के चलो 300 के प्राइस है, मान के चलो कि 300 के प्राइस है, आपने 300 के प्राइस पे बाई किया, ठीक है। अब वो थोड़ा सा नीचे आएगा ना, वो प्राइस कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा, 270 हो जाएगा, तो अब मैं अगर नीचे बाई करता हूं तो मेरे लिए सस्ते में उठा लिया ना, मैंने प्रीमियम कम दिया, मैंने 270 पे लिया, आपने बाई किया था यहां पर 280, 300 पे, मैंने किया 270 पे, तो मैं 270 पे किया ना, मैं 320 पे निकाल भी सकता हूँ, मैं 50 पॉइंट तभी भी मुझे मिलेंगे, क्योंकि यहां से जो मूवमेंट देगा यहाँ पे अगर कोई बेयरिश सिग्नल मिलता है ना तो मैं निकल जाऊंगा, फिर
50 पॉइंट लेके रखें, आप निकलोगे नहीं क्योंकि आप तो 300 पे बाई किए हो, तो आप 320 पे क्या करोगे, निकल नहीं पाओगे, तब तक वो आ जाएगा 315 310 पे। तो इसलिए प्राइस को अपने जगह पे आने दीजिए, उससे क्या होता है कि प्रीमियम थोड़ा डिके होंगे और आपको सस्ते में मिलेंगे, कम प्रीमियम देना पड़ेगा आपको। तो आप देखिए, पर गया, ब्रेकआउट दिया, आरएसआई ने पहले बता दिया मुझे बाई करना है, बाई की तरफ सोचना है, वॉल्यूम के जो ब्रेकआउट है उसने मुझे बाई की तरफ बता दिया, अब मैं वेट करूंगा प्राइस ने ब्रेकआउट दे और उसको टेस्ट करने आ जाए, फिर मैं एंट्री लूंगा उसी जोन पे जहां पर से प्राइस ने सपोर्ट लेके सपोर्ट लिया था पहले। सिंपल चीजें, और देखिए वहां से गया था। अब लोग क्या करते हैं ना, इसको देखते हैं, 60 को ब्रेक किया मैं यहां पर एंट्री लूंगा, तो लीजिए ना आप एंट्री, कौन मना कर रहा है, कभी कभार 60 को ब्रेक करके नीचे भी तो आता है प्राइस, ये नहीं आया कि ये देखिए आया ना नीचे, देख रहे हो, यस सर, ये देखिए 60 को क्रॉस करके आया नीचे। तो हमेशा 60-40 के चक्कर में मत रहिए, 60-40 के चक्कर में बाकी रिटेलर रहेंगे, आपको थोड़ा सा, मैं बार बार बोलता हूँ, आपको थोड़ा सा दो कदम आगे चलना पड़ेगा बाकी रिटेलर से। यहाँ पर मोमेंटम ब्रेकआउट ने क्या बोला था, यहाँ दे दिया, यहाँ पे एंट्री मिलेगी आपको, नो डाउट 60 के ऊपर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं यहाँ पर एंट्री नहीं लूंगा, मैं यहाँ से सिर्फ मैंने देख लिया मैंने कि यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, तो कोई बात नहीं, 60 को ब्रेक कर तब लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर एंट्री लीजिए आप, लेकिन एंट्री लेने से पहले कम से कम तो कॉन्फिडेंस है ना कि नहीं भाई ये ऊपर जाएगा, कॉन्फिडेंस है, नहीं तो अगर आपने ये अगर नहीं मिलता, जैसे यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं है, जैसे यहाँ पर दिखा था, और 60 कहाँ दिखाया था, 1 मिनट उसको हटाओ, सर मुझे आरएसए समझ में नहीं आता, हम कभी यूज नहीं करते हैं। बहुत अच्छी बात है, नहीं यूज करते हो, करने करने चाहिए मोमेंट, देखिए 60-40 के चक्कर में नहीं, मोमेंटम को जो हिडन डेटा होते हैं उसको पकड़ने के लिए, नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है कि करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर डिबेट बंद करा देंगे, ऐसा कुछ मैं नहीं है। इसको यूज पहले करती थी, लेकिन मैंने नोटिस किया ना कि प्राइस के पीछे पीछे चलता है ये, और इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया यूज करना। नहीं, प्राइस को पीछे पीछे चलता है, ये बात भी सही नहीं है, यहाँ तो प्राइस से पहले चल दिया था वो, तो फिर आपने आरएसए को गलत तरीके से देख रहे हो ना आप। जैसे यहाँ पर देखिए प्राइस, यहाँ पर 60 ने यहाँ पर ब्रेक किया था, देखिए ध्यान से, 60 को उसने यहाँ पर ब्रेक किया था इस जगह पर, अरे कहाँ गया ये माउस भी आज, 60 को देखिए यहाँ पर ब्रेक किया था, तो नो डाउट आपने 60 को यहाँ ब्रेक किया था, यहाँ एंट्री करोगे बोलोगे प्राइस में काफी भाग गया है, तो वो तो नॉर्मल लोग नॉर्मल तरीके से आप यूज कर रहे हो उसको, कॉन्वेंशनल तरीके से, आप थोड़ा अलग तरीके से सर यूज करिए उसको। ये ना बाई सेल सिग्नल की तरह यूज करते हैं उसका। सर लोग इसी को यूज करते, बाई सेल 60 क्रॉस कर दे, बाई मैंने करो, इसको 2 साल पहले छोड़ दिया था यूज करना, और फिर वापस हम कोई इंडिकेटर नहीं यूज करते। अब आपसे जब से वो क्लास लेना शुरू किया, मैंने सारे इंडिकेटर छोड़ दिए हैं। नहीं इंडिकेटर मैं भी यूज नहीं करता, मेरा तो दो ही रहते हैं, कार से एक वॉल्यूम बस, और अगर फ्यूचर है तो वीवे, फ्यूचर है तो वीवे लगा देता हूँ, और कुछ नहीं, दो से काम चल जाता है अपना, फ्यूचर वीवे भी चाहिए नहीं होता, कभी कभार देखता नहीं हूँ मैं, तो फ्यूचर लेता हूँ सिर्फ वॉल्यूम को देखने के लिए, स्पॉट का तो आता ही नहीं है, स्पॉट के सिर्फ आरएसआई चलता है, वॉल्यूम भी नहीं दिखता है। तो आरएसआई को बाई सेल के चक्कर में मत, अगर लेना चाहे तो बाई सेल के चक्कर में मत रहो उसको, आप सिंपल तरीके से लो। आप यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे आरएसआई फेक भी, फेक भी होती है, यहाँ पर बोलोगे ना यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनाया था आरएसआई ने, ब्रेक किया प्राइस ने ब्रेक करेगा, मैं मारो शॉर्ट फिर फंस जाओगे, प्राइस ने ऊपर भाग गया, तो हमेशा नहीं है, आरएसआई को हमेशा ब्लाइंडली बिलीव मत करो, पहले आपके पैटर्न को ध्यान देखिए, वॉल्यूम के पैटर्न क्या दिख रहा है ध्यान देखिए, उसके बाद मोमेंटम क्या, अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो फिर उस पर फोकस करूंगा। अब यहां पर देखिए आरएसएन 60 को क्रॉस किया था, क्या कोई रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया था इसने, 60 को क्रॉस तो कर नहीं दिया, रेजिस्टेंस कहां दिख रहा है उसका, रेजिस्टेंस ये देखिए यहां ना रेजिस्टेंस, सर, तो ब्रेक तो किया नहीं, 60 क्रॉस करने से क्या होगा, मैं लूंगा ही नहीं, तो इसका सर मतलब लेकिन 60 क्रॉस कर, बोलिए एक एंट्री तो आपने बता दी, मतलब ये जो रीजन आपने बताया है आरएसआई का डबल टॉप और ये ब्रेकआउट वाला रीटेस्ट वाला, और सेकंड एंट्री भी आपने यही कहीं बताई थी, क्या चीज, मतलब आपने 2 पॉइंट को हाईलाइट किया था अपने चार्ट में। समझा नहीं मैंने, क्या 2 पॉइंट मतलब, सर अब 2 पॉइंट, मतलब अरे वीडियो लंबे आपसे बंद कर देना क्योंकि अभी एक्स्ट्रा कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, चलो सर ठीक है आपने जो आप, ठीक है आप चलो छोड़ दीजिए, किसी को अगर डाउट हो तो देख लेंगे वो वीडियो भी, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ लंबा होगा, जिसको देखना है देख लेंगे, नहीं तो देखना है तो फिर वो छोड़ देंगे बीच में से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ पूछिए,
सर आपने मतलब अपना चार्ट जो भेजा था 10 मिनट के टाइम फ्रेम वाला सेट करके भेजा था, तो उसमें आपने बताया था कि मैं कॉल के साइड ही हूँ, तो आपने फर्स्ट वाली एंट्री तो आपने बता दी कि RSI में डबल टॉप डबल बॉटम जो भी था ये अच्छा अच्छा रीजन। ठीक है समझ गया। आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट क्यों लिया, हाँ सर आपने ये पूछा था कि यहाँ पर बाइंग जोन क्यों बोला, ये तो पूछ रहे हो ना आप। हाँ सर हाँ सर बाइंग जोन हमने कैसे फाइंड आउट किया यहाँ पर, एक देखिए ये भी यार रिपीट कर दीजिए क्या क्वेश्चन, हाँ क्या किया पूछिए मिस्टर क्या। अकबर जी? अरे मैंने जो कल ग्रुप में मैसेज किया था कि ये मेरे लिए बाइंग जोन है, जब प्राइस यहाँ का घिर रहा था ना, प्राइस जो यहाँ से घिर रहा था, तो मैंने बोला कि ये मेरे लिए एक बाइंग जोन है। मैं क्या करूँ, दिए थी बाइंग जोन का कहीं यहाँ था, कहीं बाइंग जोन मेरा क्या था, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है मुझे कहाँ गया। फैमिली ग्रुप कल के दिन में ना, कल के दिन का था ना, हाँ कल का दिन का। अरे यार जल्दी करो, ये कभी कभार माउस काम ही नहीं कर रहा माउस। बता दो टाइम देख के बता दो कितने, क्या बोला था मैं बाइंग जून का। सर 4:26 PM पे आपने फिनटेक ये फाइनेंशियल वाले ग्रुप में डाला था आपने तो नहीं, बाइंग जून कब दिया था, बाइंग जून, बाइंग जून सर आपने चैट शेयर बाइंग किया है सर, जून। ये आज के चैट बोल रहे हो शेयर या कल के बोल रहे हो। कल की सर, सर नहीं, जब उससे पहले बाइंग जून दिया था ना कि ये मेरा बाइंग जून है, ऐसा कुछ दिया था ना मैंने, ये कब दिया था, कितने बजे। अरे कल छुट्टी थी। अरे कल मैं तो परसों की बात कर रहा हाँ हूं सर छुट्टी सर नहीं आपने परसों 10 मिनट्स का चैट शेयर करके आप डिमांड जोन बनाए थे सर। की। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो जो अच्छा मतलब अभी कुछ समझ भी नहीं आया, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो आप लोग। नहीं क्वेश्चन मुझे बाइंग जोन की बोल रहे हो कि क्या बोल रहे वो हो। कैंडलस्टिक फॉर्मेशन सर है वो आपने मैं एक्सप्लेन एग्जैक्ट करूंगा। 11 बजे बोला है कि बाउंस्ड फ्रॉम 35,600 एग्जैक्टली, आपने लेवल्स दिए थे 35,800 का और 35,600 का। कल तो क्या 28 है ना, कल की हाँ बाइंग जोन, हाँ वही तो पूछ रहा हूँ मैं, ये बाइंग जोन कहाँ दिया था। बाइंग जोन 2 बजे ये है ना बाइंग यस जोन, सर वही तो पूछ रहे मैं कितने बजे दिया था और क्या टाइम था। तुम तो मुझे समझ में आएगा, ये दिया था मैंने 35,842, 35,950, 950 ये मेरे लिए बाइंग जोन है। तो मैं बाइंग जोन ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, 35,840,950, 35,840,950 यहाँ था शायद, यही था बाइंग जोन, ये है बाइंग जोन, ये देखिए 35,950 ये था, ये देखिए 35,940 आ रहा है ना, हाँ ये देखिए ना 35,950 से लेकर 35,850, ये 100 पॉइंट का दिया था बाइंग जोन, और उसने 95 पे आया था, नहीं 911 आया था, 910 आया था, यहीं से गया था। तो क्वेश्चन आपका बेसिकली ये है कि हमने ये बाइंग जोन कैसे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि हमने 5 मिनट पर यस टाइम सर फ्रेम, कोई डिमांड जोन के कोई कॉन्सेप्ट तो बेसिस पे बैठ नहीं रहा है ना, तो हमने यस बाइंग जोन सर कैसे आइडेंटिफाई किया इसके, देखिए इसके पीछे एक लॉजिक है। देखिए देखिए ये लॉजिक जो है, एक गैप डाउन हुआ है मार्केट, ध्यान रखना ये सारे जो है ना, ये मेरे पेटेंटेड वो है एनालिसिस से, इसको आप इधर उधर बेचने के चक्कर, कुछ लोग होते हैं ना बेचने के चक्कर में होते हैं या शेयर करते हैं, तो उनके लिए बोल रहा हूं मैं, ये जो चीजें शेयर करोगे या बेचोगे ना, तो फिर लीगल एक्शन लिए जाएंगे, क्योंकि ये कुछ चीजें है मेरे खुद के। अब जैसे ETFs के बारे में पढ़ लोगे, ये चलो ठीक है, उसके किताब भी है, उसके बारे में पहले से ही थ्योरी वगैरह उसकी पहले से ही है, तो उसको तो क्या करना है, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जैसे ये आज बता अभी बताऊंगा, ये भी मेरे ही है, तो इसको आप इधर उधर करोगे फिर फंस जाओगे, ध्यान रखना इस चीज को, सबके लिए नहीं है, जो लोग करते हैं कुछ हो सकते हैं इधर उधर के जो भी है। अच्छा मैं क्या कहना चाहता हूँ, मार्केट यहाँ से डाउन हुआ, ध्यान से सुनना, डाउन होता है गैप डाउन, बेसिकली गैप डाउन होने के बाद, गैप डाउन भी हुआ या तो नीचे ऐसे गिरा, होने के बाद एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ऐसे करके फिर गिरा। ओके इसको ध्यान रखना आप, इसको स्ट्रक्चर को
नीचे आया, ऊपर गया, फिर गिरा, और जितने तेजी से गिरा फिर रिकवर हुआ। इस बार रिकवर कहां हुआ? सीधा ऊपर। ऊपर रिकवर होने के बाद अगेन नीचे गिरा। किसको गिरा? इस लो को ब्रेक किया। करने के बाद इस बार इतना ही गिरा, ज्यादा नहीं, पहले इतना गिरा था, इस बार इतना ही गिरा 50% 60% के आसपास, फिर ऊपर गया। अब जो ऊपर जाएगा ना, उसी जगह पे गया है जहां पर ये लेवल है। ध्यान से समझना, ये बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है। ये लेवल पे गया, जैसे ये लेवल पे गया ना, तो उसके बाएं जो आप जो नीचे अगेन जो नीचे गिरेगा ना, बिल्कुल यहां तक आएगा, यहां तक उसके जोन होगा। ये 100% अगेन नीचे आएगा और यहां तक आएगा और यहीं से फिर निकलेगा। स्ट्रक्चर को याद कर लेना, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे यूट्यूब यूट्यूब कहीं भी। अब हो सकता है कि मेरे 99% वाला है ना? 99% कौन सा आ गया, समझ नहीं आया। मतलब वो जो आपने फोन हाँ ये होता है, हाँ सर, हाँ ये इसको याद रख लेना। आप देखना कि कल से यूट्यूब में ये भी डल जाएंगे, देखना आप 1-2 महीने बाद ये भी मिल जाएंगे यूट्यूब पे। क्या बताया था मैंने? नीचे आया, एक सपोर्ट लिया। अब सपोर्ट हो सकता है कि 2 कैंडल के लो, 3 कैंडल को, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा। यहां तक गिरा, फिर वहां से बाउंस बैक, बाउंस बैक उसने ऐसे भी ले सकता है, ऐसे करते हुए बाउंस बैक लेगा, सीधा ऊपर जाएगा। और कहां गया? इस लेवल के ऊपर, इसके ऊपर जाएगा, जाके फिर आएगा, फिर क्या करेगा? अगेन गिरेगा। और इस बार कहां गिरा? इस बार इसके पूरे गिरने का 50% 60% तक गिरेगा, ठीक है, उसके ऊपर जाएगा। जैसे ऊपर जाएगा, और अगर मान के चलो उसने बिल्कुल यहां तक जाता है, यहां तक जाने के बाद नीचे गिरने लग जाता है, तो समझ लेना इसके जो जोन बाइंग जोन होगा, इसका लेवल उसका बाइंग जोन निकलेगा। अब यहां तक आएगा प्राइस, आने के बाद फिर मूवमेंट देगा। वो एक्चुअली मूवमेंट कहां तक देगा? थोड़ा अच्छे खासे मूवमेंट देते हैं, लेकिन आप आजकल जैसे मान के चलो मार्केट देख रहे होंगे, लड़ाई के माहौल उसका चल रहा है, लड़ाई का माहौल चल रहा है, तो फिर नहीं तो ये सीधा जो इसके लिए कैलकुलेशन करके दिया था कि मैं जो टारगेट देख रहा हूँ 37,100-37,150 के आसपास देख रहा हूँ, एक्चुअली होता है, देता भी है। लेकिन आप सोच, जैसे आप न्यूक्लियर के ऊपर के बारे में बोल दिया, तो फिर वायर वायर के चक्कर में थोड़ा सा इसलिए गैप डाउन हो गया था आज, नहीं तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। तो ठीक है, इसलिए बोला था मैं पोजिशन को लेकर मत जाओ, लेकिन ये बाइंग जो हमने इसके बेसिस पर निकाला था, समझ में आया? यस सर। सर एक चीज पूछनी थी कि इसमें जो ये तुरंत जो मूवमेंट कर रहा है डाउनसाइड अपसाइड ये सब, तो मोमेंटम हाई ही रहेगी ना? नहीं नहीं आपको दिखा दूंगा, चार्ट में है, चार्ट के अंदर पहले भी बने थे, ऐसी बात नहीं है, पहले भी ये बने थे। अब मैं चलता हूँ 15 मिनट के चल लेता हूँ, 10 मिनट पे चल लेता हूँ, 15 मिनट थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अरे यार स्ट्रक्चर को देखना बस, नीचे आया, ये नीचे गैप डाउन से भी आ सकता है, यहाँ पे ओपन होने के बाद कैसे नीचे आ सकता है कोई मैटर नहीं करता, बट कहने का मतलब प्राइस नीचे आया, एक सपोर्ट लिया ना यहाँ पर, थोड़ा सा ऊपर गया, और उसके बाद क्या हुआ? सीधा नीचे, उसके बाद सीधा क्या है? ऊपर, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? इस बार अगेन नीचे आया ना, नीचे इसके नीचे, यस सर, इस बार जब ऊपर गया, अब ऊपर कहां तक गया है? एग्जैक्ट उसी लेवल तक। मैं यहां पर मार्किंग कर लेता हूं लाइन, और ये एक दिन नहीं है, पहले भी हुआ था, और ये होता है कभी कभार, होता है, ऐसी बात नहीं कि हमेशा होगा, लेकिन होता है। ये देखिए एग्जैक्ट लेवल देखिए, यहां पर देखिए और यहां पर देखिए, दिख रहा है आपको? यस सर। अब इसको कई लोग उसको हेड एंड शोल्डर भी बोल देते हैं, लेकिन हेड एंड शोल्डर ऐसे नहीं होता है। हेड एंड शोल्डर में होता क्या है, ऊपर गया ऐसे गया, ऊपर गया ऐसे गया, और इनके लेवल क्या होता है? सेम होता है ना, इन्वर्टर इन्वर्टर केस में। ये इसका कैसा है? इसका ऊपर गया सीधा ऐसे, फिर ऊपर ऐसे, इस बार भी कम गया है, तो ये थोड़ा अलग पैटर्न है। इसके भी मिलेगा नहीं गूगल पर सर्च मार लो, ये भी पैटर्न मिलेगा नहीं, ये थोड़ा सा अलग अलग टाइप का होता है। ये देखिए हुआ, नीचे आया, ऊपर गया, ये गया ऊपर गया, ये नीचे आया, तो मेरे लिए बाइंग जोन क्या बन जाएगा? इसके लो। और ये बाइंग जोन कब वैलिड हुआ है? जब ये सेम लेवल से रिजेक्ट हुआ है।
जो आपको बताया था पैटर्न वाला ये स्ट्रक्चर, तो इसके बेसिस पे सेम जगह से रिजेक्शन हुआ है, तो इसका मतलब जैसे यहाँ से रिजेक्शन दिखा मुझे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, मैंने क्लियरली बताया था कि यही लेवल है, आप देख लो ये लेवल कौन सा है, ये आपको दिख जाएगा ये जोन पूरा, तब जाके यहाँ पर जोन दिया था। यहाँ पर जोन अगर देखोगे आप हटो रहे, ये देखिए जोन पूरा जोन बना के दिया था, देखिए 850 से लेकर इससे लेकर यहाँ से लेकर थोड़ा 950 थोड़ा सा थोड़ा बढ़ा दिया था है ना, ये देखिए 950, तो ये जोन बना दिया एक लाइन, ये तो लेवल है ना, लाइन है, लाइन थोड़ी आपको उनको ड्रॉ करनी है, आपको जोन ड्रॉ करना है, क्योंकि नीचे की तरफ देखो आप, नीचे की तरफ देखोगे ना आप तो यहाँ पर देखो आप थोड़ी सी नीचे की है ना लाइन रेड कलर की यस देख रहे हो, तो इससे हमने जोन बना के छोड़ दिया, एक जोन बना दिया कि हाँ इस जोन के अंदर प्राइस आएगा तो ये बाइंग जोन है, प्राइस ऊपर जाएगा, और गया भी था वहीं से, और किस्मत ही खराब है मार्केट ने न्यूज ने साथ नहीं दिया, न्यूज के चक्कर में थोड़ा सा आज ही गैप डाउन हो गया, नहीं तो वहां से ले जाता, देखो अगर कल ले जाए तो ठीक है। और अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको एक और दिन का दिखा देता हूँ, ये होता है इस मार्केट में, इस मार्केट में ये किस तरह से फॉर्मेशन कभी कभार बनाता है लेकिन पकड़ नहीं पाते, सेम फॉर्मेशन आपको दिखाता हूँ, ध्यान रखना ये जो यहाँ पर जो टेस्ट करता है ना, ये जो टेस्ट कर रहा है यहाँ पर कुछ इस तरह जैसे बताया था आपको, ये जो टेस्ट कर रहा है इस तरह, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट उसी तरह ही फॉल हो, यानी ऐसे आया और ऐसे ऊपर गया और ऐसे फॉल आए, जरूरी नहीं है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे आया और थोड़ा सा ऊपर गया और एक ही कैंडल या दो कैंडल में फॉल हो सकता है, समझ रहे हो, यानी थोड़ा रुकेगा, यानी कहने का मतलब सपोर्ट लेगा और उसके बाद गिरेगा, ये उसके कॉन्सेप्ट है। मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर देखिए आप, ये फॉल भी सेम उसी का ही रिजल्ट है, यही था क्या, हाँ शायद यही था, नहीं 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 था, हाँ यही था, ठीक है ठीक है, बिल्कुल उसी का ही रिजल्ट है ये, ध्यान से देखना यहां पर मार्किंग करता हूं, ये कई बार बोलता है नीचे फॉल आया, अनमोटी करता हूं स्ट्रक्चर को ध्यान रखना, नीचे फॉल आया यहां पर रुका, यहां पर रुका थोड़ा सा होल्ड किया, नीचे गिरा, इस बार कहां गिरा, यहां तक गिरा, रिकवर किया, ठीक है रिकवर करने के बाद फिर देखिए यहां तक आया फिर गिरा, इस बार ज्यादा नहीं गिरा, ठीक है उसके बाद ऊपर गया, अब बाइंग जोन कौन सा होगा, समझ में आ गया जोन, कुछ इस यस सर, ये नहीं, एक और दिखाता हूँ, अरे बहुत बनते हैं ये सब केस, इसको हटाओ आप, एक और दिखाता हूँ, दो तीन केसेस है ऐसे बनते हैं, शायद यहाँ पर बना था, नहीं यहाँ पर नहीं बना था, पीबीएस कहीं बना था ये 3-4 महीने पहले, कहाँ गया, यहाँ पर नहीं बने थे, 15 मिनट करता हो या मैं चेक किया था, 15 मिनट नहीं शायद 1 आवर पे बना था, कहीं देखा था, इसको आप ढूंढ सकते हो, 15 मिनट पे ढूंढ सकते हो, 1 आवर पे बेसिस पे ढूंढ सकते हो, कैसे भी ढूंढिए आप कुछ मिल जाएगा ऐसा फॉर्मेशन आपको। पटन को सर यहाँ राइट साइड है ना, क्या चीज, वही आप जो फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं राइट साइड है सर, ये वाला नहीं इधर सर लास्ट थोड़ा स्क्रॉल की, ये वाला लग रहा है मुझे, ये शायद है, शायद ये भी शायद होगा, देखता हूँ मैं इस पर, नीचे फॉल हुआ तो पहले रुका था यहाँ पर, उसके बाद फॉल हुआ, उसके बाद सीधा ऊपर गया, उसके बाद सेकंड फॉल हुआ, इस बार इस फॉल के नीचे है, उसके बाद ऊपर गया, लेवल पे पास आया, हाँ ये भी है, नहीं ये थोड़ा सा नीचे आ गया, थोड़ा लेवल नीचे आ गया, ये भी है बाइंग जोन है ये, यहाँ पर सेल जोन नहीं होते, यहाँ पर सेल जोन नहीं होते, यहाँ पर सिर्फ बाई, फिर वो जाएगा ऊपर, ये सेल जोन नहीं होता है बाई, तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर क्या किया था उसने, किसी में बताया था ना यहाँ से सीधा ऊपर जाता है, यहाँ पर सीधा ऊपर नहीं गया, थोड़ा सा घूम के जाता है, कोई दिक्कत नहीं जाएगा ऊपर, बट वो नीचे जब अगेन गिरेगा तो इसके लॉक को टच नहीं करेगा, बस ये है, इसको लोगों टच नहीं करेगा, इससे ऊपर ही रहेगा, ये देखो आप जितना फॉल हुआ है उसके 50-60% के ऊपर ही रहता है, वहीं से घूमता है फिर अगेन जाता है तो वहीं से रिजेक्शन रहेगा,
उसके बाद फिर हो जाएगा, यानी वो बाइंग जोन बन जाएगा मेरा, उसको अगर नीचे की तरफ जाता है तो सेल मत करना, ठीक है। तो चलिए, काफी सेशन बड़ा हो गया, आपको डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। चलिए ठीक है सर, एक एक डाउट है, पूछिए सर। वो इंपोर्टेंट कैंडल मार्क करना, जरा कोई भी इंपोर्टेंट कैंडल मार्क कर लीजिए आप, एक मतलब एक कैंडल, जैसे हम लोग कैंडल मार्क करते हैं ना, कोई कहीं से भी रेफरेंस लेके एक इंपोर्टेंट कैंडल मार्क कर लेते हैं कोई भी, ठीक है। इंपोर्टेंट कैंडल मतलब किसको बोल रहे हैं? इंपोर्टेंट कैंडल, नहीं मान लीजिए पहले दिन की पहली कैंडल इंपोर्टेंट कैंडल मान लीजिए आप, उसको मार्क अच्छा कर लिया हमने, उसका हाई लो मार्क कर लिया, ठीक है सर। सर रेफरेंस कैंडल कह रहे हैं ये, रेफरेंस कैंडल। अच्छा अच्छा रेफरेंस ठीक है कैंडल, ठीक है, समझ हाँ समझ समझ गया, रेफरेंस समझ कैंडल। ठीक है, मैं कर देता हूँ, ये मान के चलो मेरे डिफरेंस कैंडल है, ठीक है बोलिए आगे। सर अब सेकंड कैंडल ने उसका लो ब्रेक कर दिया, ठीक है। ठीक है, अब थर्ड कैंडल हमारी बन रही है, तो हमारे जो रेफरेंस कैंडल रहेगी वो फर्स्ट ही रहेगी या सेकंड रहेगी? क्योंकि थर्ड सेकंड कैंडल कर हमारी लेगा, बन रही है, थर्ड कैंडल हमारी बन रही है ना, अब सेकंड वो कर मान ब्रेक लो। कर दिया ना, देखिए जी सेकंड जी कर ब्रेक, ब्रेक कर देता है ना, हाँ तो हाँ थर्ड कैंडल के लिए फिर वो सेकंड कैंडल वाले होगा रेफरेंस। अच्छा, क्योंकि सर थर्ड कैंडल उस समय बन रही होगी, अब वो मान लो उसी कैंडल के जो जो फर्स्ट कैंडल है उसके बीच में आ जाती है, तब कंफ्यूजन होता है थोड़ा। देखिए रेफरेंस कैंडल को हर जगह अप्लाई नहीं करने, तभी तो मैं बताया था कि एंट्री एग्जिट अभी नहीं बताया था, सिर्फ आपको समझाया था कि बुलिश क्या है और बियरिश क्या है, नहीं नहीं सर, रेफरेंस मैं हर बस जगह। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए हाँ रेफरेंस कैंडल मार्क करता हूँ, इसलिए पूछ रहा था हाँ आपसे। करते तो, आप सपोर्ट जिसे करना है तो ध्यान रखना जो बड़े साइज के कैंडल है, जो अभी तो आज समझाया था ना, उसको अप्लाई करो, सिर्फ उसी को अप्लाई करिए। बड़े साइज के कैंडल होंगे ये और ये, ग्रीन कैंडल है तो उसके ओपनिंग सपोर्ट होगा, और रेड कैंडल है तो उसके भी जो ओपनिंग है, ये मेरा एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आएगा, और ये मेरा होगा लेवल कौन सा है, सेलिंग के लिए, और ये लेवल कौन सा होगा बाइंग के लिए, और अगर मैं उसके सपोर्ट की करता हूं तो ये मेरा होगा, इसके ऊपर होगा बाइंग, ध्यान रखना क्योंकि ये मान के तो रेफरेंस कैंडल है, ठीक है बिग साइज कैंडल, ध्यान रखना बिग साइज, बड़े साइज के कैंडल है, ठीक है एवरेज से थोड़ा ज्यादा है। ग्रीन कैंडल है तो ध्यान रखना क्या बताया था, इसके ओपनिंग और उसके हाई, रेड कैंडल के लिए ओपनिंग और उसके लो, ये दो ही पॉइंट है, बाइंग के लिए इसके ऊपर, सेलिंग के लिए इसके नीचे, बाइंग के लिए इसके ऊपर, सेलिंग के लिए इसके नीचे, बस इसी को फॉलो करो आप। सर एक तरीके से जैसे डोजी होती है, ठीक है, हाँ उस चीज को हम डोजी ज्यादा के तो, वो, हाँ हाँ उनको ठीक है हमें ठीक है, ज्यादा हाँ बरीता नहीं देनी है उन चीजों को। दे सकते हो डोजी को, तो डोजी के अगर अंदर है तो जैसे बताया था ना आपको वीक्स थ्योरी में, उसके अंदर ठीक तक है चार ठीक है, पांच कंडल है तो मैं बहुत बढ़िया कहता, आपको मैं बड़े कंडल दिखाता हूँ आपको समझ में आएगा किस तरह से, 5 मिनट का है ना, चलो 5 मिनट का दिखाता हूँ। तो कल पिछले दिन का ही है हम्म, यही है, यही ले। और ये ध्यान रखना ये जो कॉन्सेप्ट है इसको ऑपोजिट ट्रेड लेने के लिए याद मतलब यूज किया जाता है, सबसे खास बात, क्योंकि हाँ सर, ग्रीन कलर क्योंकि बनती उनके है एसएल ना। कटते हैं ना, दूसरी हाँ दूसरी क्योंकि ये पार्टी देखिए के। ग्रीन कलर बनती है ना, तो भाई ग्रीन कलर बनती है तो उसके ऊपर जाएगा तो नो डाउट बुलिश ही रहेगा, उसके ऊपर जाएगा नो डाउट बुलिश रहेगा, लेकिन ये जो अगर ओपनिंग अगर ब्रेक के नीचे आ गया ना तो बस आपको पैसे मिलेंगे उसी में, मोमेंट मिलेंगे आपको, तो मैं मोमेंट के लिए चाहिए तो मुझे ऐसा कोई कैंडल देखता हूँ मैं जो ग्रीन कैंडल को ओपनिंग को ब्रेक किया है उसके बाद को मोमेंट को मैं देखता हूँ मैं, 1 मिनट। अरे यार ये क्या है, इसको आज नाटक बहुत करता है ये, सर टाटा स्टील को मैं 3 दिन से वॉच कर रहा हूँ, टाटा स्टील में यही हो रहा है। अच्छा देखता हूँ मैं, लेकिन देना बड़े साइज के कैंडल होने चाहिए, एवरेज या हाँ सर एवरेज से बहुत थोड़ा बड़ी, सा ऊपर। सर बहुत बड़ी कैंडल बना रहा है वो पहली 5 मिनट की। हाँ नहीं, सबके लिए मतलब किसी सबको बोल रहा हूँ जो भी इसको फॉलो करेगा इस टेक्निक को, तो एक एवरेज कैंडल या एवरेज से बड़ी, मतलब एवरेज से बड़ा होना चाहिए या तो कोई वाइड रेंज कैंडल होनी चाहिए, ठीक है मैं देखता हूँ उसका ऑपोजिट साइड का किस तरह ट्रेड लिया जाता है, बहुत अच्छे मूवमेंट मिलते हैं ऑपोजिट साइड के, ऑपोजिट के मिल नहीं रहा है ना, ऑपोजिट साइड के कहाँ से मिल रहा है ये देखिए, नॉर्मली जब 5 मिनट का वो ब्रेक होता है तो ऊपर ही जाता है ना, ऊपर या नीचे जैसे, तो नहीं क्योंकि नॉर्मल नॉर्मली बट हम कुछ, हाँ एक ही जाता फोटो है में। जा, अरे पल साहब आप इतने दिन कहाँ थे, तो आपकी आवाज नहीं आ रही थी कभी, आप क्लास चालू होते मुझे पता ही नहीं चलता, अभी मैंने अभी देखा तो मैंने बोला अच्छा क्लास अभी आए हो चालू। क्या, हाँ चलो ठीक है, मतलब शांत कैसे बैठे थे आप इतने टाइम से, मतलब
नहीं मैं मुझे पता ही नहीं चलता, लास्ट 2 मास में ऐसे ही छूट गई। चलिए 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 ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर जो ग्रीन कलर बनती है, अगर इसको देखिए वैसे तो छोटा लग रहा है ना आपको, तो वो करता हूँ देखिए आप थोड़ा सा अच्छे खासे कंडल है, तो उसके जो ये जो 1 मिनट यार ये बहुत नाटक करता है, ये जो है ना, ये देखो ये वाला जोन है उसके बाद मूवमेंट आते हैं, समझ रहे हो? तो मैं शॉर्ट करूंगा, अब यहां पर क्या चीज है आपको दिख नहीं रही, पता नहीं चल रहे, मैं आपको 15 मिनट के चार्ट करके दिखाता हूँ उसी टाटा स्क्रीन में, तो आपको और चीजें क्लियर दिखेगी आपको। अरे यार आज माउस को क्या हो गया आज, मैं देखा तो आपको 15 मिनट का चार्ट ओपन करके, हाँ कुछ मिल नहीं रहे क्या ऐसा कुछ? ये देखिए देख लो, मैं सिर्फ इस कैंडल के, ये रेड कैंडल चाहिए ना, ग्रीन कैंडल को ओपनिंग को नहीं कटा, ओपनिंग को से कोई कटा कैंडल। अरे अब उसको रिकॉर्डिंग बनना है कर दो बंद, बहुत ज्यादा हो रहे लंबे, बंद करना तो कर दो। अच्छा चलेगा क्या? ठीक है ठीक है, जैसे कट नहीं रहा है कोई, तो मिल नहीं रहा है, कहाँ मिल रहा है आपको टाटा स्टील में, कहाँ मिल रहा है भिकाजी बता तो सही, कहाँ मिल रहा है बताइए। कुछ दिख नहीं रहा है, चलिए दिखेगा तो बता देंगे आपको, मिल नहीं रहा है ऐसा कुछ। सर जो लास्ट क्लास लिए सर थे सर SBI लाइफ लगाइए सर, SBI लाइफ। सर जो लास्ट क्लास लिए थे उसका वीडियो वो करवा दीजिए ना, मुझे मैं कर देखना है। दूंगा आज, मैं कर दूंगा आज तो टाइम नहीं, मैं कल करूंगा शाम को। सर SBI लाइफ SBI लाइफ लगाइए। इसको आप 1 डे पे करिए, देखिए वीकली भी करिए आप, आपको लेवल निकल जाएगा आपको। हाँ ये देखिए आप रेड कलर बनती है ना 5 15 मिनट की, 15 मिनट लगाएगा लेवल निकलेगा, 5 मिनट के भी कर सकते हो, मैं 15 मिनट जब सर किया फाइव था मिनट मैंने फाइव मिनट तो, करिए सर इसको 5 मिनट। हाँ मैं 5 मिनट कर दूंगा, दोनों करूंगा वो आपको, पहले दिखाता हूँ 15 मिनट के चक्कर क्या है। देखिए मैंने, मुझे पता है कि बड़ी कैंडल है और इसके जो ओपनिंग है ये है, अब हमने क्या बताया था आपको, ओपनिंग को जैसे काटता है तो क्या होता है, एक मोमेंट आती है ना, देख रहे यस सर। हो? तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने सिंपल जो है 15 मिनट का टाइम फ्रेम लिया और हमने जो उसकी ओपनिंग है वहां पे एक मार्क किया, ठीक है, और शांत होके बैठ गया। और आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, देखिए यहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये इस करने के लो भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी यहाँ से काफी देर तक वो कंसोलिडेट कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ले लिया आप यहाँ पे लीजिए तो ये जाएगा ऊपर, अगर यहाँ पर नहीं ले पाते कोई दिक्कत नहीं, आप देखिए इस लेवल को ब्रेक करने के बाद टेस्ट करने भी आया था, देख रहे हो टेस्ट करने क्यों आया था। अब मैं इसका डेट क्या है, 28 तारीख को, मैं 28 तारीख को 5 मिनट करके देखता हूं मैं उस लेवल पे हुआ क्या, अट्ठाईस तारीख को 5 मिनट करके देखो। अब ये वही लेवल है जो बाइंग स्टार्ट हुई थी, ये देखो आप देख रहे हो, लेवल को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद यहां पर उसको टेस्ट करने आया था, टेस्ट करने के लिए वॉल्यूम को एक बार नजर मारिए आप, वॉल्यूम को देखिए, वॉल्यूम भी क्या हो रहा था, सेलिंग देख लो, सेलिंग वॉल्यूम नहीं है, एवरी टाइम क्या हो रहा लो वॉल्यूम था, ग्रीन वॉल्यूम ब्रेकआउट दे रहा था, अगेन सेलिंग वॉल्यूम कम, अगेन ग्रीन वॉल्यूम ब्रेकआउट, अगेन सेलिंग वॉल्यूम कम, ग्रीन वॉल्यूम वॉल्यूम, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर कोई बाई चल रही है, यहाँ पर एक्यूमुलेशन जिसको बोलते हो ना आप, सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लिया था, ये सपोर्ट बनाया था वो डब्ल्यू फॉर्मेशन, ये सपोर्ट पर डब्ल्यू फॉर्मेशन, यहाँ पर देखिए डब्ल्यू फॉर्मेशन के साथ देखिए, यहाँ पर आने के बाद रेड कलर लाई थी उसको ब्रेकआउट दिया, तो आप वहां पर एंट्री मारो ना, क्या दिक्कत है आप, अब चलो उसका तो दिन खत्म हो गया, इस दिन का खत्म हो सर गया, आज आज अब की तो 9:50 वाली कैंडल मार्क करिए आज की सर। सुबह के, सुबह का हाँ आज के ही सर। 9:50, जी। 9:50, 9:50, 1 मिनट कहाँ गया, 9:50 कौन सी कैंडल है, सही है, रेड यही रेड कैंडल सर। इसके ये रेड ऊपर जब कैंडल, मार्केट निकला है ना तो भागते ही चला बिल्कुल गया। बिल्कुल हाँ यही देखिए आप,
सर, क्योंकि ये भी मेरी सर रेडार पे था आज, ये स्टॉक भी मेरी, और सर आज देखिए 6-7% भागा है आज। अभी देखिए यहाँ पर आया था उसने, और आने के बाद उसने ब्रेक करने का टेस्ट किया था, ये सबसे बड़ी बात है, टेस्ट किया था ना यहाँ पर, और यहाँ वॉल्यूम देखिए टेस्टिंग के, सेल के साइड तो वॉल्यूम है ही नहीं इसमें। हाँ वॉल्यूम कम हो गया ना, क्या चीज सेल की साइड वॉल्यूम है ही नहीं, सिर्फ बाय के साइड। हाँ तो ये टेस्टिंग हो गया ना ये। अब ये जो लेवल है, हमने क्या बताया था अभी, जैसे बताया था ना कि रेड कैंडल के जो ओपनिंग ये इंपॉर्टेंट है, और ग्रीन कैंडल मतलब ऑपोजिट साइड के ट्रेड लेने के लिए रेड कैंडल की ओपनिंग चाहिए बाई करने के लिए, और ग्रीन कैंडल के मुझे ओपनिंग चाहिए उसके लिए सेल करने के लिए। अब बाकी तो ग्रीन कैंडल के हाई रेड कैंडल के लो तो वो तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऊपर जाएगा तो बुलिश तो होगा ही होगा। अगर आपको पैसे कमाना है, मोमेंटम पकड़ना है, तो आपको अपोजिट साइड में चलना है, रेड कैंडल की ओपनिंग और ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग, कैंडल साइज थोड़ा बड़े होने चाहिए यानी दिखने चाहिए। यहाँ पे अच्छी सेलिंग हुई थी, सेलिंग होने से क्या होगा, होनी चाहिए। हाँ सेलिंग होगी तो फिर एसएल सबके कटेंगे और सबके हो जाएगा, उड़ेगा सबका, क्योंकि सर तो ये है साइकोलॉजिकल तरीके से, क्योंकि बड़ी कैंडल कोई बड़ी पार्टी बनाती है तो उसके बिल्कुल एसएल बिल्कुल। कटेंगे। और यहाँ पर देखिए इस ग्रीन कैंडल के क्या बताया था मैंने, ग्रीन कैंडल के ओपनिंग बताया था ना, जी 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 यस सर, सपोर्ट है, और यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल के ओपनिंग को थोड़ा सा मैं इसको करता हूँ, ये लो ओपनिंग देख लो क्या क्या सपोर्ट दिया उसने, सर वो अपने लो को कटनी नहीं दे रहा, नहीं दे रहा है लो को, छोड़िए उसको तो ओपनिंग की सपोर्ट दे रहा है, देख लो अगर नीचे आना है उसको तो इस लो को कटे, ओपनिंग को कटेगा, उसके बाद यहाँ पर टेस्ट करेगा, इसको ब्रेक करेगा और यहाँ पर टेस्ट करेगा, ब्रेक कर दिया क्लोजिंग दे दिया ना इसके नीचे, मेरे पास पोजिशन में तो निकल जाऊंगा, लेकिन मैं शॉर्ट नहीं मारूंगा, शॉर्ट मारूंगा टेस्टिंग के बाद ही मारूंगा। तो इस तरह क्या होता है, मोमेंट को पकड़ सकते हो आप इजीली। अभी इसके लिए भी है, बैंक निफ्टी के लिए भी, किसी के भी लिए करो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आपको मोमेंट मिलेंगे आपको अच्छी खासी, क्योंकि ये होते हैं कुछ ट्रिक्स होते हैं, टेक्निक मान के चलो, ये कोई आपको पैटर्न नहीं है। ग्रीन कलर देखोगे कोई तो बुलिश कलर तो है नहीं, मतलब कोई पिन बार तो है नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है गेम प्लान होता है, लॉजिक के ऊपर चलते हैं ये सब, लॉजिक के ऊपर और कुछ सर नहीं। इसमें ही देखो ये ग्रीन कैंडल का लो कटा सर, ये सेकंड इसी का यही सर, ऊपर ऊपर ये ऊपर ऊपर वाली का सर, ऊपर वाली का लो कट गया और फिर इसके बाद कौन मार्केट सी गिरना शुरू हो गया। इसका इसका बोल रहे हो क्या, जी 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 स्ट्रॉन्ग कैंडल ही है सर ये भी एक तरीके से, दोनों दोनों स्ट्रॉन्ग हाँ कैंडल है। हाँ अब बिल्कुल यहाँ देखिए आप, इस लो के पास में लेकर आया हूँ मैं, देख रहे हो लो नहीं, ये ओपनिंग है ना, मैंने वहां पे यहाँ पे ओपनिंग पे लेके आया, ये देखिए ओपनिंग पे किया मार्किंग, लाइन टेरी टेरी लग रही है यार मेरे को, आंखें टेरी होगी बीवेप क्या, की वजह से लग रही हो। अच्छा अच्छा ठीक है। अब देखो इसको ब्रेक किया, उसके बाद ऊपर जा नहीं पाया, और एग्जैक्टली उसने यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था नीचे आने के बाद, तो ये है इंपॉर्टेंस है, देख लो बैंक निफ्टी में भी करिए कोई दिक्कत नहीं मिलेगा, बस सर इस तरह बड़े उसकी कलर चाहिए। सर उसकी नीचे वाली कैंडल का कटा तो मार्केट सीधे गैप डाउन ही हुआ। हाँ बिल्कुल सही है, तो इसलिए क्या, हाँ ये इसका देखिए इसका भी काटा है, तो इसका भी यहाँ काटा है, तो इस तरह जो है काम करिए आप। सर बस मुझे यही कंफ्यूजन हो रहा था ना कि इंपोर्टेंट कैंडल जब मार्क करते हैं ना, उसका जब हमारी थर्ड कैंडल बन रही होती है नहीं ना तब। इंपोर्टेंट कैंडल देखिए, इंपोर्टेंट कैंडल का कॉन्सेप्ट में इसलिए बोला था कि एक रेफरेंस लेने के लिए, और इंपोर्टेंट कैंडल कहाँ पे यूज करते हैं ना, 50 मिनट के चार्ट को देखते हुए, आप 5 मिनट में भी कर सकते हो, लेकिन 50 हर जगह नहीं देखना है आपको, हर जगह देखोगे तो आप कितने देखोगे, आप तो परेशान हो जाओगे, आप ट्रेड कैसे करोगे बताइए आप। जैसे मान के चलो इसने ब्रेकआउट दिया इसके ऊपर है ना, ये ध्यान से देखिए इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, आप बोलोगे यस ब्रेकआउट दिया, अब मेरे लिए नेक्स्ट कैंडल के लिए ये इसका हाई इंपॉर्टेंट है, इसका लो इंपॉर्टेंट है, इस तरह तो चलते ही जाएगा, तो आप ट्रेड कैसे करोगे आप, समझ रहे हो, आप देखते रह जाओगे बस काउंट करते रहोगे इससे ब्रेक किया कि नहीं किया, सीधा मत मत करो। ये ब्रेकआउट तब इंपॉर्टेंट है जब वो इंपॉर्टेंट कैंडल मेरे काम के है ना, मेरे काम के होंगे इंपॉर्टेंस कैंडल, तब जाके उसके ब्रेकआउट पे मैं अपने क्या कहते उसको सोच सकता हूँ। सारे कैंडल को लोगे कॉन्सेप्ट तो वही है रेफरेंस कर ले, लेकिन रेफरेंस कर ले मैं किसको कंसीडर करूंगा वो इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। सर ब्रेकआउट तो दिया लेकिन वॉल्यूम नहीं है उसमें, किसका ब्रेकआउट दिया, ये जो आपने एरो रखा उसका ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट तो दिया लेकिन वॉल्यूम सब कम है नीचे। ये वाला हाँ नीचे सब वॉल्यूम, सब वॉल्यूम नहीं, इतना देखो वॉल्यूम यहाँ नहीं है। पर वॉल्यूम देखोगे तो आप अपने वॉल्यूम बाद में आया ना कम, आपको थोड़ी पता चलेगा, ये जो कैंडल ब्रेक कर रहा है ना यहाँ पर वॉल्यूम अच्छी खासी आई थी वॉल्यूम, आप तो नेक्स्ट में बाई करके बैठ जाओगे,
बोलो तो ये बोलो तो बाद में आया ना, ये कम हुआ है फिर तो देखो कि आप यहाँ इसने रेड को ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट दिया रेड को बाई करो, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है क्योंकि मैंने बताया था ना कि ऑपोजिट साइड के ट्रेड होते हैं उसमें पैसे बनते हैं, मोमेंटम आते हैं सर उनकी, और ऐसा हमेशा लगती है हमारा हमारी बाइंग करती होती है। है बिल्कुल। और ध्यान रखना हमेशा पहले ही बताया था कि 915 की कैंडल के हाई एंड 325 की कैंडल के हाई एंड लो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो यही से बार बार घूम रहा है, देखो प्रीवियस देख के 915 के कैंडल के लो से बार बार मार्केट गिर रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो कुछ इस तरह ये आप उसको करिए, आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज ये जो आप बोलते हो ना कि कभी ये गलती मत करना कि बड़ी कैंडल बन गई थी रेड बन गई थी मैं इमीडिएट शॉर्ट मारूंगा, जैसे ये देखिए रेड बड़ी कैंडल बन गई नीचे जाकर शॉर्ट मार, नहीं मानना है भैया। यहाँ पर अगर वो ब्रेक करके नीचे लो को ब्रेक करके नीचे आ रहा है ना तो उसको टेस्टिंग करने दीजिए, उधर टेस्टिंग में ब्रेक मत मारिए आप, हमेशा बड़ी कैंडल के ऑपोजिट में ट्रेड लीजिए, फायदा होगा। बाकी लोग वीडियो देखे होंगे बोले होंगे या मारूंगा जो उसके ऊपर ट्रेड लीजिए, देखिए मेरे कॉन्सेप्ट मेरा जो है लॉजिक ही अलग है, मैं बड़ी कैंडल के जो है ऑपोजिट साइड का ट्रेड लेता हूँ, उसमें पैसे मिलते हैं ऑप्शन पे, इस चीज को ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर देखिए बड़े कैंडल कौन से बने, ये बना ना पहली बार इसको लो ब्रेक करेगा, लो ब्रेक करेगा लेकिन अब 950 के कैंडल को पकड़ना नहीं, पहले बताया था लो ब्रेक करेगा मैं ट्रेड ले सकता हूँ, चलो इसको 950 की छोड़ दो। ये देखो अब लो पे ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग नहीं दिया ना, मैं क्यों लूंगा यहाँ पर, या ब्रेक करके अगर क्लोजिंग देकर टेस्ट करता है तो फिर ले सकता हूँ। अब यहाँ पर मेरे बड़े कलर बन के आती है ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर की क्या चाहिए मुझे सर, ओपनिंग के ऊपर ओपनिंग चाहिए, ओपनिंग चाहिए, ये ओपनिंग है, क्लोजिंग दे दिया, क्लोजिंग देने के बाद टेस्ट किया लो एंट्री, टेस्ट का मतलब होल्ड करते लो एंट्री 5 मिनट पे कर, 3 मिनट करके देखो, 3 मिनट पे हो सकता है आप टेस्टिंग मिल जाए आपको, एंट्री करिए कोई दिक्कत नहीं, लेवल आप ड्रॉ कर लीजिए 15 मिनट के 5 मिनट के 10 मिनट पे जो भी आपको पॉसिबल आपको लगे आप ड्रॉ करिए, उसको अपोजिट लगाइए, पैसा जाएगा भागेगा कुछ इस तरह। चलिए ज्यादा हो गया आज सर, आज का लो जब बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा तो बियरिश जोन में जाएगा ना, आपने वीडियो में भी बताया है। हाँ हाँ आज का नहीं उस दिन का लो, हाँ तो उस दिन का लो और आज का लो सेम ही है सर, मैंने लेवल अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ वो जाएगा फिर 31,000 तक पहुंच जाएगा। अब देखिए अभी हो क्या रहा है कि ये हुआ के चक्कर में हो रहा है सब कुछ, खेला उल्टा सीधा हो रहा है। अब यहाँ तक अब जितने आगे मान के चलो कल कुछ बोल दिया ना कुछ पुतिन साहब ने, भाई यहाँ पर मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, या कल के अगर मीटिंग होगी वो अगर मानकर फेल हो जाती है तो फिर आप देख लो फिर मार्केट की हालत क्या होगी, फिर 31 तक तो उसको आएगा, 31 तक तो उसको मतलब आना ही पड़ेगा फिर 31 में गैप। अरे गैप में यहाँ पर देखा नहीं मैंने, गैप का तो मुझे पता नहीं, मैं देखूंगा गैप क्या है, मैं आपको एक मिनट वीकली चार्ट जब करता हूँ मैं तो मुझे जो चीज यहाँ पर दिखती है, नहीं वीकली चार्ट पे नहीं, हाँ वीकली चार्ट पे देख रहे हो ये जो टूट चुका है इसने ऑलरेडी, ये जो देख रहे हो ना ये वाला पहले ये था इसको ब्रेक कर चुका है, अब इसका अगर नीचे गया ना तो फिर सीधा ये सीधा फिर यहीं तक आएगा ये सर, ये एक डिमांड जोन की तरह काम करेगा फिर यहाँ तक है, तो देखो एक लास्ट है ये सपोर्ट है, उसको ब्रेक तो कर दिया था लेकिन यहाँ तक उसको एक सपोर्ट यहाँ पे मिलता है वेव के सपोर्ट, यहाँ तो ठीक है आएगा तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो फिर 31 के लिए आप वेट करिए, पैसे फिर बचा के रखिए, देखेंगे डेली चार्ट पे क्या दिखता है, देखता हूँ मैं डेली चार्ट पे इसने वेज को भी ब्रेक किया है, ये आप देखोगे तो फिर उसको ब्रेकआउट दिया है, देखोगे ना आप इसको ब्रेकआउट दिया है, देखो आप देखा जाएगा एक सपोर्ट ये बनता है, अगर नहीं होता है तो फिर यहाँ तक बाउंस बैक मारेगा तो यही से मारेगा, नहीं तो फिर गया प्राइस यहाँ तक लेके आएगा। तो चलिए क्राइसिस की वजह से बोल नहीं सकता किधर जा रहा है क्या जा रहा है, देखो क्राइसिस कैसे भी हो अपने को मतलब नहीं है, अपना तो ऑप्शन करना है। हाँ इंट्राडे में आप टारगेट लगा सकते हो क्योंकि पोजीशन में टारगेट लगाना बहुत रिस्की हो रहा है, चीजों को ध्यान से समझिए आप,
अगर मान क्राइसिस नहीं होता ना, मतलब इस तरह का सिचुएशन नहीं होता, तो पोजीशन में भी आप सोच सकते हो कि हाँ इसने पैटर्न को ब्रेक किया, ऊपर जाएगा इंच जाएगा, क्योंकि मानता है। अब रात को जाए कुछ बोल देगा या बॉम्ब फेंक देगा, सुबह हो गया केला खत्म। तो इस टाइप के सिचुएशन में पोजीशन तो लेना नहीं चाहिए। अब बैंक निफ्टी एक्सिस देख रहे हो गया आप, कभी गैप अप नेक्स्ट दिन गैप डाउन, इस तरह चलता है वो, तो पोजिशन मत लो। इंट्राडे में आप टारगेट सेट कर सकते हो, इंट्राडे में आप डिमांड जोन आप निकले निकाल लीजिए, आप क्या दिक्कत है आपको। इंट्राडे में आपको पता चलेगा कि यहाँ से ब्रेक कर रहा है, डिमांड जोन है, एंट्री करिए, पोजिशन पे मत ले जाइए आप। जैसे यहाँ पर डिमांड जोन है, एंट्री करिए आप, यहाँ पर एंट्री करिए, डिमांड जोन है। इंट्राडे में आप टारगेट सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो टारगेट आपको सेट करोगे, मार्केट अगर बंद होता नहीं है, टाइम रहता है, तो आपको अचीव हो जाएगा। इंटरनेट में कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट जहां जाए अपने को मतलब नहीं है, अपने को फिर पैसे छापना है। पोजीशन में दिक्कत है, रात को कोई कोई न्यूज आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो दिक्कत है। ठीक है, ये भी देखो अभी भी चल रहा है ये ट्रेंड लाइन, तो ठीक है जो भी है, रखता हूँ। भी इसके नीचे जाएगा फिर, अब नीचे दिखेगा, अब 10 मिनट बजने लग गए, बंद सर करता हूँ आप सेशन को। लेवल पोस्ट करेंगे ना कौन सा लेवल? कल? हाँ ये बैंक निफ्टी ऐसा कुछ मैं कल का आज ही कर लेता, मैं आज थोड़ा लेट उठा था और उसके बाद काम पे रख गया था, इसलिए मैं लेट आया था। मतलब मार्केट पे शायद 9:30 पे शायद ओपन किया था मैं सिस्टम, लेट हो गया था। नहीं तो जिस दिन मैं 9 बजे सिस्टम ऑन कर लेता हूँ, तो उस दिन मैं लेवल वगैरह ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ ओके ओके थैंक यू। आप ड्रॉ कर लीजिए ना, क्या दिक्कत। लेवल देखिए आपको, एक चीज और बताता हूँ, ये तो रहता ना मैजिक लेवल, कौन से लेवल बोलते हैं लोग, ये सब बेकार है। आप एक्सिस काम करके दिखाता हूँ आपको। चलो यार बहुत टाइम हो रहा है, आज बंद कर देते, कल देख बात करेंगे। वो सर मैजिक मैंने लेवल में सर कुछ नहीं है, आप भी कर सकते हो मैजिक लेवल। मैजिक लेवल लेवल बिल्कुल, लगा दीजिए ना, हाँ लेवल लेवल लगा के दिखा दीजिए ना, फिर पोस्ट कर दीजिएगा सर। मैंने तो मैजिक बहुत लेवल देखो, मैजिक सर लेवल दिखाया कल तो आपको, आप जिसको मैजिक लेवल, सर अभी लेवल क्लास कुछ नहीं है, अभी लेवल ये है कि इसके नीचे गया तो काम खत्म, ये मान लो आप। एक रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है 15 मिनट के चार्ट पे, अब देखो कि कल। अरे यार ये आपको लेवल अभी नोट डाउन कर लो। देखिए लेवल यहाँ पर पता है कि दिक्कत क्या है, लेवल यहाँ पर मतलब काम तो करता है, कहने का मतलब प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे शुरू शुरू में, क्योंकि वो लेवल से नीचे गैप डाउन हो रहा है। ये लेवल था सपोर्ट का, अब भाई साहब यहाँ पे ओपन होने के बाद उसको लेवल को ब्रेक करता ना, तो एक पैसे बनते थे। जैसे ये लेवल का सपोर्ट का था, समझ रहे हो, ये वाला, इसके नीचे ब्रेक करके जाता तो मुझे पैसे मिलते, वो हुआ ही डायरेक्ट नीचे की तरफ गैप डाउन, और नीचे सपोर्ट है, मुझे क्या पैसे देके आएगा, मूवमेंट कम है। तो आजकल ऐसे चल रहा है, लेवल अभी भी यही है। कल के लिए लेवल इसके जो हाई है, आज का हाई है, वो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ जो ये लो बना हुआ है, इंपोर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, इसके लो इंपोर्टेंट दिख रहा है, जो जो आपको दिख रहा है, बस ये जोन निकल के आएगा। इसका लो इंपोर्टेंट जोन आएगा, ये भी एक इंपोर्टेंट लेवल है, ये भी एक इंपोर्टेंट लेवल है। गैप अप होगा तो यहाँ पर एक रिजेक्शन लेगा, ये गैप अप का ये लेवल, ये बस यही लेवल है और कुछ नहीं लेवल है, ये चार लेवल मान के चलो आप। ठीक है, कौन कौन सा? आज के लो, आज के हाई, कल के जो लो है, और यहां से जो ये लेवल निकल के आता है, ये वाला, ये चार लेवल आता है। अब मार्केट कहाँ ओपन होगा वो देखा जाएगा, हो सकता है कि यहाँ ओपन हो रहा है, यहाँ ओपन है, आजकल तो ये चल रहा है ऐसे ही, जहां ओपन होगा उसके बेसिस पे देख लेंगे अपन कहाँ है। बट अभी जो फिलहाल दिख रहा है आपको, जो लेवल दिखा के आ रहा है, ये लेवल यही आ रहा है, चार लेवल। ठीक है, अगर मान के तो मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, तो उसके लिए ध्यान रखना, ये वाला इंपोर्टेंट हो जाएगा फिर। मार्केट कहाँ ओपन होता है ये इंपॉर्टेंट है, अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है, तो उसके लिए ये लेवल इंपोर्टेंट हो जाएगा, जहां से घिरा था, जहां से बोला था ना कि घिरेगा मार्केट, वो वाला जोन इंपोर्टेंट हो जाएगा। अगर मार्केट इसके बीच में यहीं कहीं ओपन होता है, तो लाइव मार्केट में लेवल निकल के मतलब आएगा। सर ये ओपनिंग के बाद लेवल निकालना सही होता है एक लेवल ना निकाला ओपनिंग जाता के है बाद? ओपन होने से पहले, एक लेवल निकाला जाता है मार्केट ओपन होने के बाद, कहां पर रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर यहां पर लेवल निकाल के आता है, तो ये लेवल यहां पर एक ड्रॉ हो सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट मान के चलो नीचे ही ओपन हो रहा है, तो इस लेवल का कोई मतलब ही नहीं बनेगा फिर आएगा कि इसके लो। देखिए अगर मान के चलो मार्केट यहाँ ओपन होता है ना, तो ऊपर का लेवल सब बेकार है, फिर आपको नए लेवल निकालने पड़ेंगे मार्केट को ओपनिंग के बेसिस पर। कैसे? एक आएगा आज का लो, फिर उसको आप करोगे 1 आवर का टाइम फ्रेम, समझ रहे हो, 1 आवर का या 1 डे का, जो भी टाइम फ्रेम करोगे, करके आप नीचे की तरफ लेवल निकालना पड़ेगा। तो ये जब नीचे की तरफ लेवल निकालूंगा, वो तब होगा जब अगर कल गैप डाउन ओपन होगा, तब जाके ये लेवल निकाल के आएगा, ये देख रहे हो, ये वाला।
तब जाके ये सा लेवल निकल के आएंगे। ये तब होगा जब अगर कल गैप डाउन ओपन होगा, तो ये कुछ लेवल होते हैं मार्केट ओपन होने से पहले और कुछ लेवल होते हैं मार्केट ओपन होने के बाद। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नो डाउट इसके जो लो है ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, या आज का जो लो है वो तो इम्पोर्टेंट है। और मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है आपको, कल के लो इम्पोर्टेंट है और जो ये जो आपकी ओपनिंग है इन दोनों की, ये भी इम्पोर्टेंट है ना ओपनिंग ग्रीन कैंडल की, ये दोनों इम्पोर्टेंट होंगे। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है, नीचे की तरफ ये सपोर्ट है, मूवमेंट आएंगे अच्छे मूवमेंट आएंगे इसके ऊपर, इसके मूवमेंट आएंगे, एक मोमेंटम आएंगे इस टारगेट के लिए, तब होगा इसके ऊपर, अदरवाइज अभी शांत होकर बैठो। और यहां से अगर देखा जाएगा तो एक सपोर्ट ये बन के आता है डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पर, एक मिनट ये देखो ओपनिंग देख रहे हो, ये निकल के आ रहा है, देख लो आप ग्रीन कैंडल का ओपनिंग ले लिया हमने, ग्रीन कैंडल का ओपनिंग ले लिया, अब वो लेवल के काम करेगा वो, और एक ये आएगा इसके ओपनिंग, ये रेजिस्टेंस से काम करेगा, जैसे आज बताया था आज के हाई जो है, ये दो दो लेवल आ गया आपके सामने, डेली के हिसाब से करिए, कोई डेली के हिसाब से करिए, 15 मिनट के हिसाब से करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेवल सबको सेम ही आएगा, 15 मिनट करूंगा तो यही आएगा, सेम आएगा। ये लेवल क्यों निकला पता से समझ में आया, ये देखो देख रहे हो सपोर्ट भी है रेजिस्टेंस भी है, हाँ इस यहाँ से निकला है ना बाहर, यहाँ से निकला है बाहर, तो इसके ये ऊपर वाले लेवल कौन से, ऊपर वाले लेवल होगा आपका, देखिए आज के क्लोजिंग के थोड़ा सा ऊपर मानकर क्लोजिंग मान लो और आज के हाई, बस ऊपर का लेवल निकल गया, आप देखो मार्केट कहाँ ओपन होता है। सो साइकोलॉजी लेवल का भी सपोर्ट लिया है 35,000 का, हाँ जी तो लेगा, ये लेना तो पड़ेगा उसको। चलिए कस हो गया, बंद करता हूँ, थैंक यू, लंबा चला हो गया, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।